हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम प्लीज बी मैरिड है। स्टोरी के स्टार्टिंग में एक र्यूमर के वजह से हमारे फीमेल लीड श्यांगी, जो कि लिंसन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक ट्रेनी थी, उसे फायर किया जाता है। तभी उसे एक और न्यूज मिलता है कि उसके पापा का डेथ हो गया है। जब वो इस केस पर अपने लॉयर से बात करती है तो वो बताता है कि तुम्हारे हेटर्स रास्ता ब्लॉक किए हुए थे, इसलिए सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण तुम्हारे पापा का डेथ हो गया। श्यांगी कहती है, मैं उन सभी लोगों के अगेंस्ट लॉसूट फाइल करना चाहती हूँ, पर अब उसके पास ना तो जॉब था और ना ही पैसा, इसलिए वो चाहकर भी लॉसूट फाइल नहीं कर पाती है। नेक्स्ट दिन एक लड़की उसे बताती है कि तुम्हारा ये र्यूमर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड मैनजिन ने फैलाया है। जहाँ श्यांगी को इस बात पर बिलीव नहीं होता है क्योंकि वो दोनों सालों से बेस्ट फ्रेंड थी। अगले दिन श्यांगी अपने घर में खाना बना रही थी, तभी कोई दरवाजा नॉक करता है तो वो खोलने जाती है। वहीं इधर हम देखते हैं गैस के सामने एक मिल्क पाउच में आग पकड़ने लगता है, जबकि उधर श्यांगी के घर में कोई आदमी आकर उसे किडनैप कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बट मुझे तुम्हें परेशान करने के लिए पैसे दिए गए हैं। तभी दोनों को जलने का स्मेल आता है। तब वो आदमी देखता है कि घर में आग लगने वाला है, इसलिए वो श्यांगी को वैसे ही छोड़कर भाग जाता है और इधर श्यांगी भी बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कुछ अजीब सा होता है और एक बच्चा मम्मी मम्मी कहता उसके पास आता है। इसके बाद जब श्यांगी का आँख खुलता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। सामने वही बच्चा था जो उसे कहता है, मम्मी अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम डॉक्टर को बोल सकती हो। श्यांगी डॉक्टर से पूछती है, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? डॉक्टर कहता है, ये तुम्हें मम्मी बोल रहा है तो ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? श्यांगी उस बच्चे से कहती है, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। बच्चा कहता है, क्या तुम मुझसे गुस्साई हो? मेरी मम्मी तुम्ही हो। श्यांगी पूछती है, तुम्हारा एज कितना है? बच्चा कहता है, 5 साल। श्यांगी कहती है, तुम 5 साल के हो और मैं 20 साल की, फिर तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? बच्चा कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम 28 साल की हो। वहाँ प्रेजेंट एक नर्स कहती है, बड़ा क्यूट बच्चा है। तभी न्यूज में हमारे मेल लीड चैन को दिखाया जाता है, जो कि चैन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सीईओ होता है। बच्चा नर्स को दिखाते हुए कहता है, वो मेरे पापा हैं। इसके बाद न्यूज में ये भी दिखाया जाता है कि लिंसन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने ट्रेनी श्यांगी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और उसे कंपनसेशन के तौर पर 50 मिलियन पे करने होंगे। ये सुनकर वो जाने लगती है, जहाँ बच्चा रोकता है कि तुम तो डिस्चार्ज भी नहीं हुई हो। श्यांगी कहती है, पर मुझे जाना होगा। बच्चा कहता है, तुम मुझे दोबारा छोड़कर चली जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब उस बच्चे का वहाँ कोई रिलेटिव नहीं था तो वह उसे भी लेकर अपनी कंपनी जाती है, जहाँ एजेंट पूछता है कि अब तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारा इमेज कम्प्लीटली डाउन हो गया है और इस कंपनी को अब तुम्हारे जैसे यूजलेस का कोई जरूरत नहीं है। तब बच्चा कहता है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और श्यांगी से कहता है, एक दिन तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी। श्यांगी कहती है, हाँ, पर उससे पहले मुझे काफी हार्ड वर्क करना होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ श्यांगी चैन से मिलने जाती है और वहाँ बच्चा उसे पापा पापा कहने लगता है। चैन कहता है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। फिर श्यांगी अपना इंट्रोडक्शन देती है, जहाँ वो कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, पर अपने प्रॉफिट के लिए इस तरह बच्चे का यूज करना सही नहीं है। तब बच्चा कहता है, पापा आप मुझे और मम्मी को क्यों इग्नोर कर रहे हो? तब श्यांगी उसे कहती है कि वो अभी काम पर जा रहे हैं, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खरीद दूंगी। फिर चैन अपने ऑफिस पहुँचता है, पर सोच उस बच्चे के बारे रहा था कि मुझे उससे रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट उसका नाम ही पूछ लेना चाहिए था। इसके बाद श्यांगी चैन के एजेंट लू से मिलती है और कहती है, तुम्हारा कंपनी मेरे साथ काम करना चाह रहा था, तो क्या अब तुम मुझे चाहते हो? जहाँ लू कहता है, अभी जिस तरह तुम्हारा इमेज है हम तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहेंगे। तब बच्चा कहता है, अंकल आपको नहीं पता मेरी मम्मी बहुत टैलेंटेड है। लू उस बच्चे से नाम पूछता है, जहाँ वो बताता है, मेरा नाम नान है। लू श्यांगी से कहता है, क्योंकि ये बच्चा काफी क्यूट है तो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, और उससे कहता है कि चैन से रिक्वेस्ट कर सकती हो, शायद वो तुम्हें यहाँ रख ले। अब क्योंकि उसके घर में आग लग चुका था तो वो नान को लेकर अपना डॉर्मेट्री जाती है। यहाँ श्यांगी का एक दूसरे ट्रेनी के साथ बहस हो जाता है। श्यांगी कहती है, मुझे पता है मेरा वाला तो बस एक र्यूमर है, लेकिन तुम डायरेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ सोई हो, ये 100% सही है। मेरे पास प्रूफ नहीं है बट मुझे सच पता है।
और उसे दो तमाचा जड़ा भी देती है। एक दूसरी ट्रेनी आकर उन्हें शांत करती है और उस लड़की को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद श्यांगी भी नान को अपने रूम ले जाती है और पूछती है, अब बताओ तुम मुझे मम्मी क्यों बुला रहे हो। नान कहता है, क्योंकि तुम मेरी मम्मी हो, तुम्हें याद नहीं है मैं 8 अगस्त 2026 को पैदा हुआ था। श्यांगी कहती है, पर अभी तो 2023 चल रहा है। और हंसते हुए कहती है, लगता है तुम फ्यूचर से आए हो, पर मजाक का टाइम नहीं है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा ताकि वे तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प करेंगे। लेकिन अभी तो मुझे इस बात का टेंशन है कि कल मैं चैन के साथ अपना इंटरव्यू कैसे दूंगी। खास अभी मुझे पता होता कि वो कहां रहता है। तब नान उसे चैन का एड्रेस बताता है। नेक्स्ट सीन वो सोचती है कि मैं भी कितनी पागल हूँ, उस बच्चे के कहने पर मैं उसके बताए एड्रेस पर जा भी रही हूँ, आई थिंक मुझे वापस चले जाना चाहिए। पर तब तक वो उस एड्रेस तक पहुँच चुके थे, इसलिए वो जाके दरवाजा नॉक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये सच में चैन का घर है। लेकिन उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर भी चैन उसे मिलने के लिए रेडी नहीं था। और इधर ये भी ठान लेती है कि जब तक मिलूंगी नहीं यहाँ से जाऊंगी नहीं। पर तभी बारिश स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो वहीं रहती है। इधर नान सोचता है, इसका मतलब मैं 8 पहले आ गया हूँ, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था और तब तक मम्मी पापा मिले भी नहीं थे, लगता है मुझे दोनों को मिलाना होगा। दूसरी तरफ चैन की मेट कहती है, बाहर जोरों का बारिश हो रहा है, उसे ठंड लग जाएगा, पर कोल्ड हार्टेड सीओ तो उसे तब भी अंदर आने का परमिशन नहीं देता है। उसकी मेट कहती है, तुम 27 के हो गए हो, ऐसे ही रहोगे तो सिंगल ही मर जाओगे। तभी उधर नान अम्ब्रेला लेकर श्यांगी के पास आता है और कहता है, पापा तुम्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। उधर चैन की मैट कहती है, उसके साथ एक बच्चा भी है। तब चैन उनके पास जाता है और श्यांगी से कहता है, तुम तो इस बच्चे के साथ हद ही कर रही हो। नान कहता है, पापा आप मम्मी से क्यों गुस्सा रहे हो। फिर चैन उन्हें अंदर लाता है और नान से पूछता है, क्या उसने तुम्हें मुझे पापा बोलना सिखाया है, और समझाता है कि ऐसे किसी स्ट्रेंजर को पापा नहीं बोलते हैं। तब उसकी मेड आकर कहती है, इस बच्चे का फेस तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, क्या सच में ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। चैन उसे नान को ले जाने कहता है और श्यांगी से पूछता है, तो तुम मेरा कंपनी ज्वाइन करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारा हेल्प क्यों करूं। श्यांगी कहती है, क्योंकि मेरे पास बस यही एक ऑप्शन है। चैन कहता है, सब जानते हैं कि तुमने डायरेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए क्या किया था, मैं तुम्हें अपने कंपनी में रखूंगा अगर तुम सेम ट्रीटमेंट मुझे भी दोगी, और उसे अपने कपड़े उतारने कहता है। लेकिन वो गुस्सा कर उसके फेस में पानी फेंकते हुए कहती है, ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ काम करने से अच्छा मैं रास्ते में भीख मांगना पसंद करूंगी। तब चैन उसे रोकता है कि मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था, अगर तुम अभी वैसा करती जैसा मैंने कहा तो मैं तुम्हें अपने कंपनी में कभी नहीं रखता। इसके बाद चैन उसे उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मांगता है, जहां वो बताती है कि मैं 2 से ट्रेनी हूं, यूगो गर्ल मेरा फर्स्ट टैलेंट शो था, मेरा एक बीएफ भी है जिसका नाम श्यान है, वह लिंसन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में म्यूजिक प्रोड्यूसर है। फिर चैन उसे इस रूमर के बारे में सब सच बताने बोलता है, जहां वो बताती है कि उस दिन शो खत्म होने के बाद मुझे एक पार्टी में शामिल होने कहा गया जिसमें डायरेक्टर और ट्रेनी शामिल होने वाले थे, पर जब मैं वहां गई तो सिर्फ डायरेक्टर और एक ट्रेनी मैगजीन थी, ये मुझे काफी अजीब लग रहा था, तो मैं वहां से जाना चाह रही थी लेकिन डायरेक्टर ने रोककर मुझे ड्रिंक करने कहा और फिर मैं बेहोश हो गई, फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। चैन कहता है, जब तुम्हारे साथ मैगजीन भी थी तो उसका फोटो वायरल क्यों नहीं हुआ। तब चैन की मैड आकर पूछती है, ये सो गया है, जहाँ श्यांगी कहती है, कोई बात नहीं मैं इसे ले जा रही हूँ। तब चैन कहता है कि तुम्हारे घर में आग लग गया है, वैसे अब तुम मेरा कंपनी ज्वाइन की हो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, और उसे आज रात रहने के लिए अपने होटल का रूम काट देता है और नान को अपने घर में रखता है। अगले दिन आधी रात में नान रोने लगता है, तब चैन उसे शांत करते हुए पूछता है, श्यांगी अभी 20 की है तो तुम उसके बच्चे नहीं हो सकते हो। जहाँ नान सोचता है, अगर मैं इन्हें सच बताऊंगा तो ये मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा। तब चैन उसे सो जाने कहता है। दूसरी तरफ श्यांगी होटल न जाकर अपने बॉयफ्रेंड श्यान के घर जाती है, जहाँ वो उसके बीएफ के साथ मैगजीन को पाती है। ये देख वो दोनों से पूछती है, इतनी रात गए तुम लोग साथ में क्यों हो। यहाँ मैगजीन कहती है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसका बीएफ भी कहता है, सारा दुनिया को पता है तुम डायरेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ नाइट स्पेंड की हो, लेकिन जब मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम इनोसेंट बनने का प्रिटेंड करती हो। ये सुनकर वो मैगजीन से कहती है, तुम कितना भी कोशिश कर लो मैं शो से क्विट नहीं करने वाली। इसके बाद वो ये सब सोच कर रोड किनारे रोए जा रही थी, तभी उसके पास चैन आता है तो वो उसे हग कर लेती है, जहाँ वो देखता है कि उसे तो फीवर है। चैन किसी को कॉल करता है और कहता है, आज रात मैं श्यांगी के साथ हूँ, अगर इसके बारे कुछ न्यूज वायरल हो तो तुम हैंडल कर लेना, और उसे अपने घर ले जाता है। जहाँ जाते ही वो देखता है नान तो जागा हुआ है, और वो नान से कहता है, अभी सोने के टाइम पर कौन चिप्स और चॉकलेट खाता है,
और फिर उसे सो जाने कहता है और शियांगी को भी बेड में सुला देता है एंड अपनी मेट से कहता है कल तक अगर इसका फीवर नहीं गया तो डॉक्टर को कॉल करना। पर तभी शियांगी उसे अपने तरफ पुल करती है और अपने बीएफ शियान का नाम लेती है, तब वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब उसका नीट खुलता है तो मैंगजीन उसे कॉल करती है कि आखिर तुमने अपने साथ मुझे इन्वॉल्व कर ही लिया। फिर जब वो न्यूज देखती है तो पता चलता है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये था कि उस रात डायरेक्टर के साथ सियांगी और मैंगजीन दोनों थे और अब सियांगी के फैंस कमेंट करने लगते हैं कि ये बात मैंगजीन पहले शेयर क्यों नहीं की, क्या वो जानबूझकर सियांगी को फंसाना चाहते थे। ये सब देखकर सियांगी काफी खुश होती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये वीडियो शियान ने शेयर करवाया है। वो शियान के पास जाती है जहाँ वो उसके पीआर मैनेजर से इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ वो कहती है हमने अब तक से तुम्हारा एजेंट डिसाइड नहीं किया है और अब से तुम्हारा सारा केस कंपनी हैंडल करेगा। इसके बाद शियान कहता है तुम्हें शो में कम्पीट करते रहना है और जीतना भी है। सियांगी कहती है बट मुझे तो शो से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। पीआर मैनेजर कहती है डोंट वरी, जल्दी वे तुम्हें वापस ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। फिर चैन कहता है लिंसन एंटरटेनमेंट को तुम्हें जो कम्पनसेशन पे करना था वो मैंने पे कर दिया है, अब तुम मेरी हो 10 सालों के लिए और फिलहाल के लिए तुम मेरे घर में रहोगी और उससे पहले इस बच्चे को इसके पेरेंट्स के पास भेज देना है। सियांगी कहती है पर मुझे कैसे पता ये किसका बच्चा है, हॉस्पिटल में ये खुद मेरे पास आया था। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो से मैंगजीन परेशान थी, उसका एजेंट कहता है अब तुम्हारे पास अपने आप को बचाने का यही ऑप्शन है कि सियांगी के साथ मिलकर डायरेक्टर पर ब्लेम करो। इधर चैन भी सियांगी को यही कहता है कि अपना फेम वापस लाने के लिए तुम्हें मैंगजीन के साथ मिलकर डायरेक्टर को दोष देना है और मेक श्योर किसी को पता न चलना चाहिए कि तुम्हारा बीएफ भी है, जहाँ वो कहती है कल मेरा ब्रेकअप हो गया। चैन कहता है तो इसलिए कल रात तुम रास्ते में भटक रहे थे, और उसे कंफर्ट फील कराता है कि डोंट वरी तुम्हारा अब से जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है वो मैं हैंडल करूंगा। पर बाद में सोचता है कि मैं उसके लिए वरीड क्यों हो रहा हूँ। सियांगी कहती है क्या ये पॉसिबल है कि इन समय मैंगजीन का हाथ हो सकता है। चैन कहता है हो सकता है क्योंकि अगर तुम्हारा फेम गिरेगा तो फायदा उसी को होना है। अगले सीन दोनों लाइव आकर डायरेक्टर पर ब्लेम करती है, जहां मैंगजीन कहती है कि वो हमें जबरन एक बूथ पर ले जाकर सेक्सुअली हरास कर रहा था, लकीली मैं वहां से भाग गई बट सियांगी ड्रिंक करने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। सियांगी भी कहती है मैंने डायरेक्टर के अगेंस्ट लॉसूट फाइल करा है और ये भी कहती है कि योगो गर्ल शो से मैं काफी डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि उन्होंने बिना सच जानकर ही मुझे डिस्क्वालिफाइड कर दिया। इसके बाद ऑफ स्क्रीन मैंगजीन उसे कहती है तुम्हें क्या लग रहा है अपने नए कंपनी के साथ तुम्हें वापस से सब कुछ मिल जाएगा। सियांगी कहती है वो तो पता नहीं पर तुम्हारे साथ अब बुरा होने वाला है। नेक्स्ट सीन सियांगी घर आती है, यहाँ चैन कहता है नान के लिए मैंने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया है। फिर वहाँ नान आकर सियांगी को चॉकलेट केक बनाने कहता है और चैन को भी हेल्प करने कहता है, जहाँ वो कहती है कि वो अभी काम में बिजी है। नान कहता है पापा काम में बिजी नहीं है, वो तो सुबह से मूवी देख रहे हैं। तब चैन को भी हेल्प करना पड़ता है जिससे नान काफी खुश होता है। तभी सियांगी न्यूज में देखती है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है, तब सियांगी चैन से थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन नान केक का एक बाइट सियांगी को खिलाता है फिर चैन को, जिसके बाद नान सियांगी से कहता है मम्मी क्या तुम शाय फील कर रही हो, अंकल लू ने बताया था कि सेम चम्मच से खाना शेयर करना बेसिकली किसिंग के समान होता है। ये सुनकर सियांगी उसे शांत रहने कहती है। तभी उसे योगो गर्ल्स शो के तरफ से कॉल आता है जहाँ वे पहले माफी मांगते हैं और वापस से शो ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस पता नहीं कर पाती है कि बच्चा किसका है, इसलिए रूल के अकॉर्डिंग बच्चे को अनाथालय ले जाया जाता है। नेक्स्ट दिन पीआर मैनेजर सियांगी को उसके एजेंट से मिलाती है जो कि लू था, और सियांगी को बिलीव नहीं होता है कि उसका लक इतना अच्छा कैसे चल रहा है। फिर यहाँ लू से उसका शेड्यूल दिखाता है और बताता है कि शो में 100 में से 60 कैंडिडेट बचे हैं और क्योंकि एक ऑनलाइन पोलिंग हुआ था जिसमें डिस्क्वालिफाइड होने के बाद तुम्हारा वोटिंग रुक गया था तो तुम्हारा रैंक 57 है, वही मैंगजीन टॉप 1 पर है, तो क्या तुम टक्कर लेने के लिए रेडी हो, जहाँ वो हाँ कहती है। दूसरी तरफ ऑर्फनेज में नॉन अपने पेरेंट्स को मिस करके रो रहा था, जहाँ एक और बच्चा उसे कम्फर्ट फील कराता है। अगले सीन सियांगी शो में कमबैक करती है जहाँ एक कैंडिडेट बहस करती है कि डिस्क्वालिफाइड होने के बाद भी इसका ग्रेड ए कैसे है, कहीं डायरेक्टर के जैसा यहाँ के स्टाफ के साथ भी तो इसने नाइट स्पेंड नहीं करा है। इस पर सियांगी कहती है मुझ पर ब्लेम लगाने से बेटर है मेरे साथ एक बार कम्पीट करके देख लो। इधर दोनों का बहस होता देख चैन को काफी गुस्सा आता है, जहाँ लू उसे रोकता है कि मैटर सियांगी को ही सॉल्व करने दो। फिर सियांगी और वो लड़की अपना परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं जहाँ जज सियांगी को ही वोट देते हैं, इससे वो लड़की का चेहरा देखने लायक बनता है। वही लू चैन से कहता है आजकल तुम सियांगी के लिए कुछ ज्यादा ही अवेलेबल हो रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे उसका एजेंट मैं नहीं बल्कि तुम हो, कहीं उसे लाइक तो नहीं करने लग गए।
चैन उसे अपने बकवास बंद रखने कहता है। इसके बाद अनाउंस किया जाता है कि अगला राउंड टीम शो होगा और जो टीम टॉप 5 पर रहेगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाइड होगा, बाकी डिस्क्वालिफाइड किए जाएंगे। और यहाँ ग्रेड ए वाले यानी श्यांगी और मैंगजिन को पहले टीम बनाने का चांस मिलता है, जहाँ श्यांगी जिस भी कैंडिडेट को चूज कर रही थी मैंगजिन उसे अपनी टीम में ले रही थी। हालांकि उन्हें भी मौका दिया जा रहा था कि वो किस टीम में शामिल होना चाहती है, जहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मैंगजिन को ही चूज करती है क्योंकि फिलहाल मैंगजिन का पॉपुलरिटी श्यांगी से ज्यादा था। इधर लू चैन से कहता है लगता है श्यांगी का मूड कुछ सही नहीं है, आई थिंक तुम्हें जाकर उसे कम्फर्ट फील कराना चाहिए इससे पहले कि कोई और चांस मार ले। लेकिन चैन को उसके बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ लू कहता है मतलब तुम सिंगल ही मरने वाले हो। वह दूसरी तरफ श्यांगी सोचती है कि चैन ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है, किसी भी कीमत में मुझे इस शो को जीतना ही होगा। तभी वहाँ शो का पॉपुलर आइडल मिंजी आकर उसे कम्फर्ट फील कराता है। इधर श्यांगी का एक्स यानी श्यान मैंगजिन से मिलता है, जहाँ वो दिखाती है कि देख लो श्यांगी तुम्हारे बिना भी ठीक है, और सोचती है मैं तुम्हें इसलिए डेट कर रही हूँ क्योंकि तुम श्यांगी के बीएफ थे। अगले दिन ब्रेक टाइम श्यांगी नान से मिलने ऑफिस जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि अब तक से नान के पेरेंट्स उसे लेने नहीं आए हैं, इसलिए वो नान को अडॉप्ट करने का डिसाइड करती है और नान से कहती है कि मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। फिर वो वापस आ जाती है और अपने नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी होती है, जहाँ हम देखते हैं उसकी कुछ टीम मेंबर तो पहले ही डिमोटिवेट थी कि वे लोग मैंगजिन को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन श्यांगी उन्हें मोटिवेट करके हार्डवर्क करने कहती है, जिसके बाद वे लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करती है। तभी चैन श्यांगी को जल्दी घर आने कहता है और बताता है कि क्या तुम नान से मिलने ऑर्फनेज गई थी, किसी ने तुम्हारा फोटो कैप्चर करके आर्टिकल छाप दिया है। जहाँ लू कहता है लेकिन डोंट वरी मैंने आर्टिकल खरीद लिया है, बट चैन उसे नान से मिलने नहीं कहता है। श्यांगी कहती है तो क्या मैं नन को अडॉप्ट कर सकती हूँ, इस पर दोनों कहते हैं बिल्कुल नहीं। चैन कहता है ये लास्ट चांस है जब तुम अपना फेम वापस पा सकती हो, इसलिए ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना कि ट्रबल में पड़ जाओ, और उसे रेस्ट करने कहता है। जिसके बाद लू कहता है मुझे पता है तुम उसे लाइक करते हो, वरना मुझसे ज्यादा तुम उसके लिए परेशान नहीं होते। सीन शिफ्ट होता है जहाँ श्यांगी की एक टीम मेट कॉपरेट नहीं करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग मैंगजिन को बीट नहीं कर सकती, लेकिन तभी मिंजी आकर उसे और पूरे टीम को मोटिवेट करता है तो वो कॉपरेट करने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ चैन लू से पूछता है श्यांगी कहाँ है, जहाँ वो टीज करता है कि वो अभी सेट पर है, चाहो तो तुम मिलने जा सकते हो। तभी एक आदमी आकर चैन को बताता है कि नन का ऑब्जर्वेशन पीरियड खत्म हो गया है तो अब उसे अडॉप्ट करने के लिए कोई भी अडॉप्शन फाइल कर सकता है। अगले दिन चैन ऑफने जाता है, जहाँ नन उस पर काफी गुस्साता है कि इतने दिन से आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, आप बहुत बुरे हो। नन का टेम्पर देखकर चैन सोचता है मुझे ऐसा क्यों फील होता है जैसे मेरा और उसका कुछ कनेक्शन है। सीन शिफ्ट होता है और मैम जिन देखती है कि एक कैंडिडेट तो उससे भी ज्यादा श्यांगी से हेट करती है। वो सोचती है लगता है मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये लड़की ही कर लेगी। फिर वो सभी को डिनर ट्रीट देती है, जहाँ वो जानबूझकर कुछ ड्रग्स छोड़े जाती है, और जब ये लड़की देखती है तो वो ड्रिंक में मिक्स करके श्यांगी को पीने देती है। वही उधर चैन का सेक्रेटरी बताता है कि लू ने कॉल करके बताया श्यांगी अभी हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहाँ लू बताता है कि किसी ने उसके ड्रिंक में ड्रग मिक्स कर दिया था। नन लू से पूछता है क्या मेरी मम्मी ठीक है, जहाँ लू सोचता है क्या सच में ये श्यांगी का बच्चा है। इधर अंदर जाकर नन कहता है मम्मी अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा प्रोटेक्ट करूंगा। चैन कहता है डोंट वरी तुम ठीक हो जाओगी। फिर वो लू से कहता है ये किसका काम है, सब कुछ पता करो। लू कहता है वो तो मैं कर लूंगा, बट आई थिंक कल श्यांगी लाइव शो नहीं कर पाएगी और ये उसका लास्ट चांस है। चैन कहता है मुझे इसे फर्क नहीं पड़ता है, बस वो सेफ होनी चाहिए। तभी हॉस्पिटल में मिंजे श्यांगी को विजिट करने आता है। इस पर लू चैन से कहता है मिंजे जैसा टॉप सेलिब्रिटी श्यांगी से मिलने आ रहा है, क्या पता वो तुमसे पहले श्यांगी को इम्प्रेस कर ले। नेक्स्ट सीन नन दोनों को पास बैठा कर स्टोरी पढ़ता है और फिर बाद में चैन को भी स्टोरी सुनाने कहता है। चैन भी उसका बात मानकर स्टोरी सुनाने लगता है, जहाँ कुछ देर बाद दोनों ही सो जाते हैं। तब चैन नन को लेकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं श्यांगी सोने के बाद प्रिटेंड कर रही थी, इसलिए उसके जाने के बाद वो भी हॉस्पिटल से निकल जाती है। अगले दिन चैन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि श्यांगी हॉस्पिटल से मिसिंग है। वो काफी ढूंढता है पर श्यांगी को नहीं पाता है। तभी लू उसे लाइव शो दिखाता है जहाँ श्यांगी परफॉर्मेंस करने वाली थी। ये देखकर चैन गुस्साते हुए उसके पास जाता है। वहीं उधर परफॉर्मेंस के बाद श्यांगी बेहोश हो जाती है। अगले सीन जब उसका नींद खुलता है तो नन कहता है पापा तुमसे बहुत गुस्सा आए हैं, तुम बिना बताए हॉस्पिटल से क्यों चली गई थी। तब चैन की मैड आकर कहती है चैन ने तुम्हें कंपनी में मिलने कहा है, जहाँ नन कहता है मैं भी साथ चलूंगा वरना पापा तुम्हें बहुत डांटेंगे। अगले दिन नन चैन को कहता है पापा
मम्मी आ रही है लेकिन आप उसे डांटना नहीं वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तब दक्षयंगी भी आ जाती है और माफी मांगते हुए कहती है अगर मैं तुम्हें पहले बताती तो तुम मुझे सो करने नहीं देते। जहाँ चैन उसे डांटने लगता है तब नन कहता है आपने प्रॉमिस किया था आप मम्मी को डांटेंगे नहीं। फिर लू बताता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारे बेहोश होते ही चैन तुम्हें बाहों में भर के ले आया। इवन इसने मिंजे का कॉलर पकड़कर उसे खूब सुनाया कि तुम किसी पेशेंट को परफॉर्म करने के लिए कैसे बोल सकते हो। इसके बाद चैन सियांगे से कहता है नन के लिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ बट तुम्हें सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखकर मुझे सुनाना होगा। उसके पीआर मैनेजर भी उसे ऐसा करने कहती है। तभी वहाँ वो कैंडिडेट आकर कहती है मैंने ड्रिंक में ड्रग नहीं मिलाया था। जहाँ चैन कहता है ऑलरेडी पुलिस इस मैटर पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो लड़की कहती है इसमें तुम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों किया, क्या तुम लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हो। और गुस्सा से सियांगी पर हाथ उठाने वाली होती है कि नन उसे रोक लेता है। तब चैन सिक्योरिटी बुलाकर उसे वहाँ से हटाता है। इसके बाद लू सियांगी को बताता है कि तुम्हारा शो काफी अच्छा था। फिर चैन का सेक्रेटरी आकर कहता है ऑर्फनेज का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है बस तुम्हें लास्ट टाइम नन को वहाँ ले जाना है। अब नन भी काफी खुश था कि वो हमेशा उनके साथ रहने वाला है। वह इधर सियांगी भी काफी खुश थे कि चैन उसका कितना केयर कर रहा है। अगले दिन वे ऑर्फनेज पहुंचते हैं जहां नन चैन से कहता है आप मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी ले चलो। जहां चैन और सियांगी उसे समझाते हैं कि हम सभी को साथ नहीं ले जा सकते। तब वो बच्चा आकर नन से कहता है तुम अपने पापा के साथ जाओ और कभी कभी मुझसे मिलने आना। अगले दिन वे घर पहुंचते हैं जहां सियांगी उसे अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म पढ़कर सुनाती है। जहां चैन नन से पूछता है क्या ये इनफ है, जिस पर नन कहता है नहीं आप मम्मी को पनिश करो वो भी उन्हें किस करके। चैन कहता है आजकल तुम कुछ ज्यादा टीवी देखते हो। तब नन कहता है अब सोने का टाइम हो गया है तो मैं आप दोनों के साथ सोना चाहता हूँ। चैन कहता है पर हम लोग मैरिड नहीं है। जहाँ नन सोचता है अरे हाँ ये दोनों तो अभी तक शादी ही नहीं किए हैं, अगर मैं ज्यादा फोर्स करूंगा तो मुझे डांट मिल जाएगा। सियांगी कहती है अच्छा चलो मैं तुम्हें नहा देती हूँ फिर तुम पापा के साथ सोना। इसके बाद जब वो उसे नहा देती है तो उसके गले में पहने नेकलेस के बारे पूछती है जिस पर नन बताता है कि ये पापा के फ्रेंड ने मुझे दिया है तुम्हें ढूंढने के लिए। सियांगी सोचती है आखिर इस बच्चा का क्या सीक्रेट है। इसके बाद नन पूछता है क्या तुम पापा से प्यार करती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं जहाँ नन चैन से कहता है कल रात मम्मी बोल रही थी कि वो आपको लाइक करती है। चैन पूछता है क्या ऐसा बात है। जहाँ वो कहती है नहीं नन तो बस ऐसे बोल रहा है। फिर चैन बताता है कि तुम्हारे अगले शो के लिए तुम्हें एक म्यूजिक प्रोड्यूसर खोजना पड़ेगा। जहाँ वो सोचती है मैगजीन तो मेरे एक्स चैन को चूज करेगी मैं उसे कैसे कम्पीट करूंगी। अगले सीन लू कहता है डोंट वरी मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक प्रोड्यूसर ढूंढ रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और मैगजीन सियांगी से कहती है क्या तुमने म्यूजिक प्रोड्यूसर ढूंढ लिया है, तुम कहो तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकती हूँ वो तुम्हारा भी हेल्प कर देगा। जहाँ सियांगी कहती है इसका कोई जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और वो चैन के बारे सोच रही थी कि क्या वो मुझे लाइक करता है। तभी उसके पास शियान आकर उससे चिपकने लगता है और कहता है मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ अगर तुम फिर से मेरे साथ आ जाओगी तो मैं उस मैगजीन को छोड़ दूंगा वैसे भी उसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। और हम देखते हैं कि ये सब सियांगी रिकॉर्ड कर रही थी। फिर वो उसके फेस में पानी फेंकते हुए कहती है मैं तुम्हारे जैसे चीटर्स के साथ फिर से रिलेशनशिप में कभी नहीं आऊंगी। दूसरी तरफ नन ऑर्फनेज जाता है और अपने उस दोस्त को वो नेकलेस देते हुए उसे अच्छे से रखने कहता है। अगले दिन सियांगी घर आती है जहाँ नन कहता है मम्मी मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ मुझे नहाना है तो मैं बाथरूम जाकर तुम्हारा वेट करता हूँ। वैसे सियांगी को उस पर डाउट होता है पर फिर भी वो बाथरूम जाती है जहाँ चैन नहा रहा था। वो जल्दी से निकलने खोजती है पर बाहर से बाथरूम लॉक हो जाता है। तब चैन दरवाजा खोलने के लिए जाता है जहाँ स्लिप होकर सियांगी के ऊपर गिर जाता है और तभी चैन की मेड आवाज सुनकर दरवाजा ओपन करती है तो उन्हें ऐसा देख लेती है। इसे चैन गुस्सा के जाने लगता है जहाँ वो कहने वाली थी कि मैं तुमसे लाइक करती हूँ पर वो तो कुछ भी नहीं सुनता है। सियांगी सोचती है तो मैं कन्फेस करने से पहले ही रिजेक्ट हो गई। इधर चैन अपने बचपन के बारे एक सपना देखता है जहाँ उसकी मम्मी उसे खूब डांट रही थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लू सियांगी से कहता है क्या बात है तुम्हारा और चैन दोनों का मूड कुछ दिन से ऑफ है एक दूसरे से लड़ाई हुआ है क्या। सियांगी कहती है मुझे तो लगता है वो मुझसे नफरत करता है। लू कहता है वो तुमसे प्यार करता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता है जो सुनकर वो काफी खुश होती है। अगले सीन चैन लू को कॉल करके सियांगी के बारे पूछता है जहाँ वो बताता है कि वो वोकल क्लास कर रही है पर अगर तुम्हें फिक्र हो रहा है तो तुम उसे पिकअप करने जा सकते हो।
इधर श्यांगी भी क्लास कंप्लीट करने के बाद निकलती है, जहां उसे एक कॉल आता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पापा का डेथ कैसे हुआ तो पार्किंग एरिया में आ जाओ। और वो बिना सोचे समझे चली भी जाती है। वह उधर श्यान उसे पिकअप करने आता है पर श्यांगी को वह नहीं पाता है। इधर पार्किंग एरिया में एक आदमी श्यांगी पर अटैक करता है, जहां वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। उधर चैन को दो गार्ड से पता चलता है कि पार्किंग एरिया में एक आदमी और औरत का फाइट हो रहा है। इधर वो आदमी श्यांगी को बेहोश कर ले जाता है, जहां चैन उसे रोक कर पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वो कहता है मुझे 50 मिलियन चाहिए। चैन कहता है मैं देने को तैयार हूँ, तुम उसे कुछ नहीं करना। और इस तरह बातों में उलझा कर वो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो श्यांगी को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वो कहती है मरने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मैं तुम्हें लाइक करती हूं। अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर बताती है कि घबराने वाला कोई बात नहीं है, कल तक इसका होश आ जाएगा। नेक्स्ट डे लू चैन के लिए खाना लाता है, जहां वो कहता है अब मुझे जाना चाहिए। लू कहता है पर अब तो ये जगने वाली है, क्या तुम्हें बात नहीं करना है। चैन कहता है नहीं। तभी वहाँ मिंगजी आकर कहता है अगर चैन उसे अप्रोच नहीं करना चाहता तो क्यों ना मैं ट्राई करूं, और वो श्यांगी के पास जाता है। इधर लू चैन से कहता है तुम सिंगल ही मर जाओगे, और अंदर श्यांगी के लिए खाना ले जाता है, जहाँ मिंगजी कहता है तुम मेरा वाला खाना खाओ, मैं अपने हाथों से बनाया हूँ, और उसे खिला भी देता है। वही लू उनका वीडियो बनाता है और चैन को भेज देता है और कहता है सीखो कुछ मिंगजे से, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी एक क्यूट सी वाइफ हो और तुम्हारा हैप्पी मैरिड लाइफ चले। लेकिन यहाँ चैन अपना बचपन याद करता है कि उसकी मम्मी अपने हस्बैंड से डेली लड़ा करती थी और चैन को मारती भी थी, क्योंकि उसका कहना था कि शादी करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक था। सीन प्रेजेंट में आता है और वो सोचता है मैं कभी फैमिली नहीं चाहता हूँ। तब उसकी मेट कहती है तुम्हें इस वक्त श्यांगी के साथ होना चाहिए, पर वो चला जाता है। जहां नन पूछता है क्या पापा मम्मी से गुस्साए हैं, इस पर मेट कहती है नहीं, एक्चुअली तुम्हारे पापा का काफी हार्ड चाइल्डहुड गुजरा है। अगले दिन मिंगजे श्यांगी से मिलने आता है, जहां वो कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि हर परफॉर्मेंस से पहले मैं हॉस्पिटल में आ जाती हूँ। मिंगजे कहता है डोंट वरी, और बताता है कि उसने कुछ गाना लिखा है, अगर वो चाहे तो उसका गाना यूज कर सकती है। फिर उसे अपना गाना गाकर भी सुनाता है। तभी नन आकर कहता है मम्मी तुम अंकल मिंगजे का गाना मत सुनो, और मिंगजे से कहता है तुम मेरी मम्मी को मेरे पापा से छीनने की कोशिश मत करो, मेरी मम्मी जल्द ही पापा से शादी करने वाली है। ये सुनकर मिंगजे कहता है बड़ा क्यूट बच्चा है, पर ये तुम्हें मम्मी क्यों बोल रहा है। श्यांगी कहती है इस बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर मिंगजे चला जाता है। तब नन कहता है तुम अंकल मिंगजे के बारे मत सोचो, पापा के बारे सोचो, और उसे केक खिलाता है। अगले दिन श्यांगी सोचती है जब से मैंने चैन से कहा है मैं उसे लाइक करती हूँ वो मुझे अवॉइड कर रहा है। तभी वहाँ मैंगजिन उसे विजिट करने आती है और कहती है वैसे मैं आना तो नहीं चाहती थी बट फैंस को दिखाना भी तो है कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड है। फिर कहती है क्या तुम्हें अब तक कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं मिला है, तुम कहो तो मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए भी गाना लिख सकता है। जहाँ श्यांगी उसे श्यान का वो रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसे सुन मैंगजिन गुस्सा कर चली जाती है। नेक्स्ट दिन लू श्यान को बताता है कि श्यांगी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है, इवन वो मिंगजे का कंपोज किया हुआ गाना भी गाने वाली है और कल से अपना रिहर्सल भी स्टार्ट करने वाली है। अब ये सुनकर चैन काफी गुस्सा आता है कि मेरे परमिशन के बगैर वो अपने से डिसीजन कैसे ले सकती है, और लू से कहता है उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने नहीं दो। जहाँ लू कहता है मैं उसका एजेंट हूँ, उसका नर्स नहीं हूँ, अगर तुम्हें फिक्र हो रहा है तो तुम जाकर उसे बोल सकते हो। अगले दिन श्यांगी लू से पूछती है क्या चैन मेरे डिसीजन से गुस्सा है, जहाँ वो कहता है अगर मैं हाँ भी बोलूँ तो भी तुम अपना मर्जी से काम करोगी। इसके बाद हम श्यांगी को टीम के साथ रिहर्सल करते हुए देखते हैं, जहाँ चैन आकर उसे कहता है मैं तुम्हें अभी ये रिहर्सल करने का अलाव नहीं कर रहा, जब तक तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं हो जाता तुम कोई भी शो नहीं करोगी। श्यांगी कहती है पर मुश्किल से मुझे आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। जहाँ चैन कहता है शायद तुम भूल रही हो मैंने तुमसे 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो तुम वही करोगी जैसा मैं कहूँगा। और मिंगजे से कहता है किसी को मोटिवेट करना सही है पर हेल्थ से बढ़कर कोई चीज नहीं होता है, तुम श्यांगी को इस हालत में भी परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, अगर उसे कुछ हुआ तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। मिंगजे कहता है वो जानती है उसके लिए क्या सही है, पर अगर फिर भी उसे कुछ होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। तब चैन जबरन श्यांगी को उठाकर घर ले जाता है और उसे बाहर निकलने ही नहीं देता है। वो लू से हेल्प मांगती है कि मैं अभी शो से रिटायर नहीं करना चाहती हूँ, जहाँ लू कहता है ठीक है मैं चैन को समझाने का कोशिश करूंगा। वहीं अब श्यांगी गुस्सा से डिनर भी नहीं करती है।
जहाँ चैन लू से कहता है कल तुम उसके रिटायरमेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना। लू कहता है नहीं। चैन कहता है तब उसके लिए दूसरा म्यूजिक प्रोड्यूसर ढूंढो, मिंजे का गाना वो नहीं गाएगी। लू कहता है अभी टाइम नहीं है। अब इरिटेट होकर चैन भी और खाना नहीं खाता है। इसके बाद नन श्यांगी के लिए खाना ले जाता है और कहता है पापा से तुम गुस्सा मत करो, वो बस तुम्हारे हेल्थ को लेकर परेशान है। नेक्स्ट डे चैन श्यांगी के पास आकर कहता है अब से तुम्हें जैसा मन तुम वैसा कर सकती हो, मैं तुम्हारे बिजनेस मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा। श्यांगी कहती है तुम इतना अनरीजनेबल क्यों बन रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मुझे भी पता है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। यहाँ चैन कहता है नहीं मैं तुम्हें लाइक नहीं करता और मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ। श्यांगी सोचती है तब तो मुझे इस घर में और नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट डे वो चैन के घर से जाने लगती है, तब नन काफी रोता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। चैन की मेट कहती है आज चैन भी घर पर नहीं है तो नन के लिए तुम आज के दिन रुक जाओ, इसलिए श्यांगी भी रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ चैन अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करता है और उसे अपना करेंट सिचुएशन बताता है, साथ ही बताता है कि मेरे पेरेंट्स का लव मैरिज हुआ था और फिर एक दिन हमारे हैप्पी फैमिली में पापा एक दूसरा बच्चा को लेकर आए जो कि किसी और औरत का था और उसके बाद से मम्मी और पापा के बीच डेली लड़ाई होता था जहां मम्मी मुझे भी काफी मारा करती थी, इसलिए मैं यही सोचता हूं कि जब मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते थे तो कोई और मुझसे कैसे प्यार कर सकता है। डॉक्टर समझाती है कि सभी मैरिड लाइफ का एंडिंग ट्रेजिक नहीं होता है और वो उसे सजेस्ट करती है कि रिलेशनशिप में आना इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम समझते हो। दूसरी तरफ श्यांगी के दादाजी उसे मिलने आते हैं और उसे स्टेशन पिकअप करने आने बोलते हैं। जहाँ चैन की मेट कहती है बाहर रिपोर्टर्स हैं तो मैं किसी और को पिकअप करने भेज देती हूँ। नेक्स्ट दिन दादाजी पहुँचते हैं जहाँ वो श्यांगी को डांटते हैं कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। श्यांगी कहती है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर दादाजी पूछते हैं क्या ये तुम्हारा घर है, जहाँ वो बताती है नहीं ये मेरे एजेंसी के बॉस का घर है। इस पर दादाजी कहते हैं इस तरह दूसरों के घर पर रहना सही नहीं है और श्यांगी को अपने साथ चलने कहते हैं। तभी नन आकर कहता है मम्मी ग्रैंडपा को अंदर ले चलिए। अब मम्मी सुनकर दादाजी हैरान रहते हैं तो श्यांगी क्लियर करती है कि नहीं ये मैं तो 20 साल की हूँ, ये 5 साल का है, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। तब तक चैन भी घर आ जाता है और दादाजी को डिनर करने कहता है। डिनर के बाद दादाजी श्यांगी को अपने साथ ले जाते हैं और बेचारा नन रोते रह जाता है। अगले दिन दादाजी श्यांगी से कहते हैं तुम किडनैप हो गई थी, तुम्हारा घर जल गया, तुम्हारे पापा का डेथ हो गया, इतना कुछ हुआ तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा, पर कोई बात नहीं अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर दादाजी ये भी पूछते हैं क्या तुम चैन को लाइक करती हो, जहाँ वो कहती है नहीं। दादाजी कहते हैं अच्छा ही है, हमारा और उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी काफी डिफरेंट है। दूसरी तरफ नन अपने फ्रेंड से मिलने ऑर्फनेज जाता है और उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स के बीच फाइट हुआ है और उसकी मम्मी घर से चली गई है, जहां उसका दोस्त उसे एक आइडिया बताता है। सीन शिफ्ट होता है और श्यांगी एंड उसका टीम मिंजे के साथ नेक्स्ट सॉन्ग का रिहर्सल कर रहा था, जहां नन के कहने पर लू श्यांगी और मिंजे का फोटो कैप्चर करता है और सोचता है पता नहीं नन का क्या प्लान है, पर इन फोटो से चैन तो पक्का जलस होने वाला है। दूसरी तरफ नन वो फोटो दिखाते हुए चैन को सुनाता है कि मम्मी और अंकल मिंजे साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, आप ना तो मम्मी को अपने पास रख रहे हो और ना ही अंकल मिंजे को पास रहने दे रहे हो। तभी हम देखते हैं चैन का स्टेप ब्रदर लिन सेन आता है और चैन से कहता है पुराना बंद कंपनी चलाकर तुम काफी प्राउड फील कर रहे हो, वैसे आज रात पापा ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। दूसरी तरफ श्यांगी नन से चैट कर रही थी, जहां मिंजे आकर कहता है तो तुम मेरे 5 साल के राइवल के साथ बात कर रही हो और ये भी कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो इस मैटर पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा सही होगा। वहीं उधर चैन अपने स्टेप ब्रदर के साथ घर जाता है, जहाँ लिन सेन अपने पापा को बताता है कि चैन ने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, मेरे अकॉर्डिंग तो इसे पहले अपना फैमिली करना चाहिए था। उनके फादर कहते हैं पहले तुम अपना देखो, हमेशा लड़कियों के रूमर में फंसे रहते हो, और चैन से भी कहते हैं कि अब तुम्हें अपना फैमिली करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ श्यांगी का आज का रिहर्सल कंप्लीट होता है और नन उसे आज ही लेने आता है। फिर नन उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है जहां वो खाना देखकर काफी हैरान थी क्योंकि खाना काफी एक्सपेंसिव था। वो नन से पूछती है जहां वो कहता है मेरे पास बहुत सारा पॉकेट मनी है और खाना ज्यादा एक्सपेंसिव है भी नहीं। इधर चैन भी अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था जहां उसे अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा कटने का मैसेज आता है। वो अपना क्रेडिट कार्ड चेक करता है जो कि उसके पास नहीं था। उसके पापा पूछते हैं क्या हुआ, चैन कहता है कुछ नहीं बस मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है। तब लिनसन कहता है जब तुम एक क्रेडिट कार्ड नहीं संभाल पा रहे हो तो इतना बड़ा कंपनी कैसे संभालोगे। फिर चैन घर के लिए निकल जाता है, साथ में लिनसन भी उसके साथ जाता है।
और कहता है, तो तुमने श्यांगी को अपने कंपनी में रख लिया है जिसको मैंने अपने कंपनी से धक्के मारकर निकाला था। तभी नन उसे कॉल करके रेस्टोरेंट आने कहता है क्योंकि श्यांगी काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। हालांकि ये प्लान नन का ही था। इधर श्यांगी नन से कहती है, मेरे में क्या कमी है जो तुम्हारे पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, कमी तो उसी में है। तभी पीछे से चैन आकर कहता है, क्या कमी है मेरे में। श्यांगी कहती है, आंखों में कमी है तुम्हारा, तुम्हें दिखता ही नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसे किस करती है। तब चैन भी उसे किस पैक करता है। श्यांगी कहती है, तुम प्रॉमिस करो आज रात मेरे साथ रहोगे। तब चैन उसे घर ले जाता है और नन से कहता है, तुम्हें बाद में देख लूंगा। अब क्योंकि श्यांगी काफी ज्यादा ड्रंक थी तो वो चैन के साथ काफी लबी डबी बिहेव कर रही थी, इवन उसके नेक पर लव बाइट भी करती है, लेकिन चैन उसे सो जाने कहता है, पर वो तो उसे जाने ही नहीं दे रही थी। इसलिए धीरे धीरे रोमांटिक सीन क्रिएट होने लगता है। पर तभी उनके घर दादाजी आते हैं और चैन के गले में लव बाइट का मार्क देख कर कहते हैं, तुम्हें मेरी डॉटर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तुमसे प्यार करती है इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका एडवांटेज लोगे। वो श्यांगी को अपने साथ ले जाने खोजते हैं, जहाँ चैन कहता है, मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि आज रात में उसके साथ रहूंगा। नेक्स्ट डे जब श्यांगी सोकर उठती है तो नन बताता है कि कल ड्रिंक करके तुम पापा को किस की थी। ये सुनकर वो काफी सॉफ्ट होती है और चैन से माफी मांगती है, जहाँ चैन उसे टीज करता है कि कल रात तुमने जो मिस्टेक करा था उसका प्राइस तुम्हें आज पे करना होगा। अब श्यांगी को लगता है कि चैन उसे किस करेगा, पर चैन कहता है, क्या उल्टा पुल्टा सोचे जा रही हो। फिर वह चला जाता है, जिसके बाद नन श्यांगी से कहता है, कल पापा भी तुमको किस करके काफी खुश थे। ये सुनकर वो काफी खुश होती है। नन कहता है, क्या तुम पापा से बहुत प्यार करती हो। श्यांगी साई करते हुए कहती है, नहीं ऐसा बात नहीं है। अगले दिन श्यांगी सेट पर रिहर्सल कर रही थी, जिसके बाद एक टीम मेंबर उसे टीज करती है कि लगता है मिंजे तुम्हें लाइक करता है। श्यांगी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। तभी उसके दादाजी उसके लिए चिकन सूप ला देते हैं और पूछते हैं, सच बताओ कल तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। जहाँ वो कहती है, कुछ नहीं, बस मैं कुछ ज्यादा ही ड्रंक थी। दादाजी कहते हैं, मैंने तुम्हें उसे दूर रहने कहा है। जहाँ वो कहती है, मैं रोबोट नहीं हूँ, इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर लूंगी। और फिर बताती है कि कल प्रोग्राम है तो आज घर नहीं जा पाऊंगी। इसके बाद मिंजे आकर सूप ले लेता है और उसे टीज करने लगता है। नेक्स्ट डे प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले वो चैन के आने का वेट कर रही थी और बस वेट ही करते रह जाती है। फिर उसका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जहाँ चैन भी उसका परफॉर्मेंस देखने आया था। फिर प्रोग्राम खत्म होता है और रिजल्ट का अनाउंस किया जाता है, जहाँ उसका ग्रुप फर्स्ट होता है। हालांकि इनडायरेक्टली मैगजीन अब भी नंबर वन पर थी और सेकंड पोजीशन पर श्यांगी। अगले सीन लू से कांग्रेचुलेट कहता है। इसके बाद ड्राइवर आकर श्यांगी से कहता है, पार्किंग एरिया में चैन तुम्हारा वेट कर रहा है। और वो खुश होते हुए चली भी जाती है, जहाँ चैन के जगह उसका भाई लिनसन था। वो श्यांगी से कहता है, तुम पहले मेरे कंपनी में थी, अगर दोबारा लिनसन एंटरटेनमेंट ज्वाइन करोगी तो मैं तुम्हें एक बड़ा स्टार बनाऊंगा। लेकिन वो कहती है, नहीं। तब लिनसन उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ चैन आकर श्यांगी को बचा लेता है और अपने स्टेप ब्रदर को वार्न करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। और श्यांगी को डांटने लगता है कि ऐसे कैसे तुम किसी के भी कार में चढ़ जाती हो। श्यांगी कहती है, मुझे लगा कि उसमें तुम हो। चैन कहता है, तो तुम मेरे आने का वेट कर रही थी, और उसे अपने घर चलने कहता है। फिर घर आकर उसके फेस पर चोट लगा था तो वो मलहम लगा देता है, जिसके बाद श्यांगी कहती है, कल के परफॉर्मेंस का थीम वेडिंग है। और नौटंकी करके चैन से अपना लाल घूंघट भी उठवा लेती है और कहती है, तुमने मेरा घूंघट उठाया, अब तुम मेरे हस्बैंड हुए। और कहती है, नन ने मुझे बताया कल तुम भी मुझे किस करके बड़ा खुश हो रहे थे, और मैंने लू से भी पूछा था, तुम्हारी कोई फियांसे नहीं है, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। मुझे पता है कुछ तो रीजन है जिसके कारण तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो, हम दोनों मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चैन कहता है, 10 दिनों में तुम्हारा फाइनल है, अगर तुम इस बार सेंटर बनोगे तो मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा। अगले सीन वो नन को पनिश करता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो, तुम्हारा इस हफ्ते का स्नैक्स बंद। वहीं दूसरी तरफ श्यांगी घर आती है तो उसके दादाजी को लगता है कि दोनों के बीच फाइट हुआ है, इसलिए वो चेक करने अगले दिन चैन के घर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिनसन अपने एजेंट से कहता है, इस बार अगर मैंगजिन सेंटर गर्ल नहीं बनी तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। वो कहती है, क्यों ना हम लोग वापस से श्यांगी को यहाँ आने बोलें। इस पर लिनसन कहता है, उसे यहाँ लाना नहीं है, उसे बर्बाद करना है। इसके बाद वहाँ मैंगजिन आती है, जहाँ वो कहती है, अगर इस बार तुम सेंटर गर्ल नहीं बनी तो तुम्हारा करियर बर्बाद, सोच लेना। वहीं दूसरी तरफ दादाजी नन से काफी इम्प्रेस होते हैं और सोचते हैं, अगर श्यांगी और चैन का शादी होगा तो ये मेरा ग्रेट ग्रैंडसन बनेगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम दोनों का कुछ खास कनेक्शन है।
इधर सेट पर श्यांगी की टीममेट रिहर्सल करके चली जाती है, पर वो अब भी रिहर्सल कर ही रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आकर श्यांगी पर अटैक करता है और अगले दिन हम उसे फिर से हॉस्पिटल में देखते हैं। पता नहीं और कितना बड़ी हॉस्पिटल जाएगी। तो कुछ देर बाद चैन भी वहाँ आता है, जहाँ लू कहता है पैर में चोट है, सर्जरी करना होगा एंड आई थिंक कल का शो करना इसके लिए मुश्किल है। इसके बाद चैन उसके पास जाता है, जहाँ वो कहती है मैंने पेन किलिंग इंजेक्शन ले लिया है और मैं प्रोग्राम के बाद ही सर्जरी करूंगी। चैन कहता है क्या तुम बस रीजन जानने के लिए इतना रिस्क लेकर प्रोग्राम करोगी? जहाँ वो कहती है नहीं, मैंने इसके लिए काफी हार्ड वर्क किया है और मुझे पता है कोई मुझे जानबूझकर जीतने नहीं देना चाहता है, इसलिए मैं भी जीतकर दिखाना चाहती हूँ। और इस बार चैन भी उसे सपोर्ट करता है, जिस पर लू कहता है मुझे लगा था कि तुम उसे शो करने से मना करोगे, पर उल्टा तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो। अगले दिन सभी ग्रुप का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जहाँ श्यांगी भी अपना सोलो परफॉर्म करती है। इसके बाद कैंडिडेट का वोटिंग काउंट होता है, जहाँ श्यांगी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है और वो इस साल की सेंटर गर्ल भी बनती है। इसके बाद स्टेज आकर मिंगजे श्यांगी को कांग्रेचुलेट करता है, जिसे फैंस को लगता है कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगले दिन सेंटर गर्ल बनने की खुशी में वे सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद श्यांगी ब्राइडल ड्रेस पहनकर चैन के रूम में होती है। यहाँ चैन आकर उसे पूछता है यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है तुमने कहा था तो मुझे रीजन बताओगे। तब चैन उसे बताता है कि मेरे मम्मी पापा लव मैरिज किए थे, लेकिन समय के साथ उनका प्यार फीका होता गया। दोनों में और लड़ाई होने लगा जब पापा एक दूसरे बच्चे को घर ले आए। उसके बाद से पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे, मम्मी मुझे छोड़कर चली गई और मुझे प्यार से डर होने लगा। मुझे आज भी डर लगता है कि कहीं अगर मैं भी अपने पेरेंट्स जैसा न बन जाऊं, जैसा मेरा बचपन गुजरा है, मैं नहीं चाहता हूं वैसा नन कभी गुजरे। इसके बाद श्यांगी उसे कंफर्ट फील कराती है, जहां चैन पूछता है कि तुम उसे प्यार क्यों करती हो? वह कहती है प्यार तो प्यार होता है, इसके लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। फिर चैन कहता है लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए। और अब क्योंकि लू के थ्रू चैन का एंजाइटी डिसऑर्डर श्यांगी को पता था, तो वह वेट करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो श्यांगी को उसके रूम तक छोड़े रखता है। नेक्स्ट डे उसके पैर का माइनर सर्जरी होना था, जहाँ वो और नन ऐसा नौटंकी करते हैं जैसे वो सर्जरी से मरी जाएगी। अगले दिन सर्जरी के बाद श्यांगी को होश आता है, जहाँ नन उसके लिए खाना ला देता है और चैन को खिलाने कहता है। चैन भी उसे खिला कर अपने ऑफिस चला जाता है। इसके बाद मिंगजे उसे विजिट करने आता है और बताता है कि अभी ट्रेंडिंग गॉसिप में मेरा और तुम्हारा चर्चा है, फैंस हमें कपल समझ रहे हैं तो हमें भी कपल होने का प्रिटेंड करना होगा। श्यांगी कहती है लेकिन क्या इससे तुम्हें और तुम्हारे एजेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इस पर मिंगजे कहता है बिल्कुल नहीं, इससे तो हमारा ही फायदा है, प्रमोशन भी होगा और नए शो में साथ में काम करने भी मिलेगा। फिर दोनों सेल्फी खिंचाते हैं, तभी चैन आकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिंगजे भी उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है तुम्हें तो हमारे फैंस का डिमांड पता ही है, हमें कपल बनने का प्रिटेंड करना है। चैन कहता है फिलहाल तो तुम यहाँ से जाओ। अगले दिन वो डिस्चार्ज होकर घर जाती है, जहाँ नन कहता है अब तो तुम अपने शूटिंग पर जाओगे, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। श्यांगी कहती है मैं शूटिंग कंप्लीट करके जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। नेक्स्ट दिन चैन घर आता है, जहाँ आते के साथ नन उसके सेवा में लग जाता है। चैन पूछता है क्या चाहते हो वो बताओ? नन कहता है मैं भी मम्मी के साथ शूटिंग पर जाना चाहता हूँ। चैन कहता है नहीं तुम्हें स्कूल जाना है। नन कहता है मेरा एडमिशन तो 2 महीने बाद होगा और मम्मी के साथ अंकल मिंगजे भी शूटिंग पर होंगे, तो मैं आपके लिए उन पर नजर रखूंगा। ये सुनकर चैन कहता है मैं कल ही तुम्हारे ऑडिशन का अरेंज करवाता हूँ। अगले दिन ऑडिशन से पहले चैन की मेट श्यांगी को कॉल करती है कि नन मिसिंग है और इस स्टोरी का सीजन 1 ही यही खत्म होता है। तो सीजन 2 में स्टोरी आगे कंटिन्यू होता है, जहाँ हम देखते हैं नन को कोई ढूंढ रहा था और नन छुपने का कोशिश कर रहा था। इसके बाद सीन कट होकर हमें वहीं ले जाता है जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था। नन के मिशन के कारण श्यांगी काफी परेशान थी। तभी नन वहाँ पहुँचता है, जहाँ श्यांगी उसे समझाती है कि इस तरह बिना बताए घर से नहीं निकलना चाहिए। अगले सीन नन के ऑडिशन के बाद डायरेक्टर उसका काफी तारीफ करता है। फिर वे घर आते हैं, जहाँ चैन पहले नन के बदमाशी के लिए उसके हफ्ते भर का स्नैक्स बंद करता है और श्यांगी से कहता है तुम्हारे लिए मैं एक असिस्टेंट हायर कर दूंगा, वेल बी रेडी, क्योंकि सीजन 2 में ढेर सारे कैरेक्टर का फेस बदल चुका है। तो अगले दिन हम शूटिंग साइट में श्यांगी और मैंगजीन को देखते हैं, जहाँ मैंगजीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि श्यांगी मेन फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही थी। खैर आज का शूटिंग कंप्लीट होता है, जिसके बाद श्यांगी सोचती है फिल्म करने से अच्छा तो मेरे लिए गाना और डांस ही था। तभी वहाँ चैन आकर उसे एक रूम घुसाता है और उसे शांत रहने कहता है ताकि कोई उन्हें देख न ले। फिर उसे चिकन सूप देता है और कहता है मुझे कुछ काम है तुम जल्दी खाकर सो जाओ, लेकिन वो उसके पास ही सो जाती है। तब चैन उसे उठाकर बेड में सुलाता है, पर यहाँ तो श्यांगी बस सोने का प्रिटेंड कर उसे सेड्यूस कर रही थी।
वहीं दूसरी तरफ मैंग जिन लिनसन के पास जाकर कहती है, तुमने जिस ड्रामा पर इन्वेस्ट किया है उसकी मेन लीड शियांगी है, अगर वो फेमस होती जाएगी तो तुम्हारे भाई चैन की कंपनी को ही बेनिफिट होगा, लेकिन अगर तुम ड्रामा पर थोड़ा और इन्वेस्ट करके मुझे मेन लीड बनाओगे तो तुम अपने भाई को सरपास कर सकते हो। अब ये आइडिया लिनसन को भी अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट डे सियांगी को पता चलता है कि उसका काफी सारा सीन डिलीट कर दिया गया है। जब वो डायरेक्टर से इस बारे बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे सीन तो सपोर्टिंग रोल के हैं और मेन लीड तो मैंगजिन को बना दिया गया है। लेकिन अब सियांगी भी क्या ही कर सकती थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिंगजी भी इस ड्रामा में गेस्ट रोल प्ले करने वाला था। यहाँ नन भी काफी घुसाया था क्योंकि सियांगी के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, इसलिए वो अपना शूटिंग करने से भी मना कर देता है। इवन डायरेक्टर खुद उसे मनाता है तो भी वो सिर्फ खाने के अलावा कुछ करने नहीं खोजता है। ऊपर से मिंगजे भी शूटिंग करने से मना कर देता है। फिर मैंग जिन नन को मनाने आती है पर नन तो उल्टा उसका ही इंसल्ट कर देता है। इधर डायरेक्टर परेशान होकर सियांगी को शूट करने कहता है तो वो कहती है पहले तुम मेरे मैनेजर से बात करो। लेकिन यहाँ लू डायरेक्टर से कहता है सिर्फ लिनसन एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि चैन एंटरटेनमेंट ने भी इस ड्रामा के लिए इन्वेस्ट करा है, तो अब जब लीड रोल को ही चेंज किया जा रहा है तो हम लोग भी शूटिंग नहीं करना चाहेंगे। परेशान होकर डायरेक्टर को ओरिजिनल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही शूटिंग करना पड़ता है। इसके बाद सियांगी का शूटिंग लू और नन दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं। जहाँ नन कहता है ये वीडियो पापा को भेजना है, दूसरी तरफ चैन मीटिंग पर था। जहाँ नन उसे सियांगी के शूटिंग का वो क्लिप भेजता है जिसे देख वो जालसी से शूटिंग साइट पर चला जाता है। वहीं इधर अब किसिंग सीन का शूटिंग होना था लेकिन तब तक चैन वहाँ पहुँच जाता है, इसलिए वो नर्वस होकर एक्टिंग नहीं कर पाती है। यहाँ मिंगजे उसे समझाता है कि पहले काम पर फोकस करो और फिर तब सियांगी अच्छे से एक्टिंग कर पाती है। और जैसे ही किसिंग सीन आता है चैन वहाँ से चला जाता है। ये देख सियांगी फिर से मिस्टेक कर देती है। तब डायरेक्टर 5 मिनट का ब्रेक लेने कहता है। इसके बाद वो चैन से मिलती है और कहती है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं किसिंग सीन नहीं करूँगी। जहाँ चैन कहता है डोंट वरी मैं ठीक हूँ और ये तो तुम्हारा काम है, हाँ अगर तुम प्राइवेटली किसी से मिलोगी तो मुझे प्रॉब्लम है। सियांगी हक करते हुए कहती है ऐसा मैं नहीं करूँगी। फिर उसे अगले शूटिंग के लिए बुलाया जाता है। जब वो जाती है तो मैंगजिन को कॉल पर बातें करते हुए सुनती है जो कि वो लिनसन से बात कर रही थी। तभी मैंगजिन को शूटिंग के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ सियांगी को मैंगजिन का मोबाइल खाली दिख जाता है। तब वो लिनसन और शियान दोनों को शाम 7 बजे पिकअप करने आने बोलती है और फिर मैसेज डिलीट भी कर देती है। अगले दिन मैंगजिन और सियांगी का साथ में शूटिंग चल रहा था जहाँ मैंगजिन जानबूझकर सियांगी को बुली कर रही थी। सियांगी कहती है लगता है तुम्हारे कंपनी ने तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया है, जब तुम्हें एक्टिंग करना ही नहीं आता है तो तुम एक्टर कैसे बन सकती हो। तब चैन आकर डायरेक्टर से कहता है जब ये एक्टिंग सीख जाए तब सियांगी शूट करेगी, तब तक के लिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। इसके बाद सियांगी और नन चैन के साथ घर जाते हैं जहाँ हम देखते हैं मैंगजिन को लिनसन भी पिकअप करने आया था और शियान भी। अब यहाँ शियान कहता है मेरा कार इधर है तो तुम उसके तरफ क्यों जा रही हो, और लिनसन ये कहकर चला जाता है कि तुम मुझे जानबूझकर ये सब दिखाने के लिए यहाँ बुलाई थी। गुस्सा से मैंगजिन शियान को थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। शियान कहता है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुमसे तो लाख गुना बेटर सियांगी थी। और ये सब तमाशा देखकर सियांगी को बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो सब घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ पहुँचकर सियांगी और चैन नाइट वॉक करते हैं। यहाँ सियांगी जानबूझकर अपने फेस में आइसक्रीम लगाकर उसे साफ करने कहती है। चैन कहता है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं? कोई तुम्हें पहचानेगा तो तुम ट्रॉबल में पड़ सकती हो। सियांगी कहती है कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं है यहाँ। तब चैन उसे किस करता ही है कि एक कपल आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। अगले दिन शूटिंग साइट पर सियांगी को कुछ क्रू मेंबर के थ्रू पता चलता है कि उसका किडनैपिंग से लेकर सब कुछ किया धरा मैंगजिन का है। ये जानकर वो काफी अपसेट होती है। तब नन आकर उसे एक रोज देते हुए कहता है आज चाइनीज वैलेंटाइन डे है, अगर आप पापा को भी रोज देंगी तो वो काफी खुश होंगे। और सियांगी भी ऐसा ही करती है जहाँ चैन भी उसे एक गिफ्ट देता है। सियांगी कहती है वैलेंटाइन पर हम दोनों एक दूसरे को गिफ्ट शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं समझ लूं कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। चैन कहता है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे टाइम दोगी। नन सोचता है पापा तो एकदम इडियट ही हैं और चैन की मैड को कॉल करता है। अगले सीन वे घर पहुंचते हैं जहां नन कहता है मम्मी पापा मैं आंटी के साथ बाहर डिनर करने जा रहा हूं, आप लोग कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करो। अब सियांगी भी मौका पाकर चैन को सीड्यूस करती है। तभी चैन की मैड आकर कहती है मैंने चिकन सूप भी बनाया है बोलने भूल गई थी। उसके जाने के बाद सियांगी फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन तब दादाजी आ जाते हैं और इससे उनका मूड फिर से खराब हो जाता है।
तब नन और चैन की मैट आकर उसे समझाती है कि आज के दिन इन्हें अकेले टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। और फिर नन के भी काफी रिक्वेस्ट करने पर दादाजी उनके साथ बाहर चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर श्यांगी गुस्सा से कहती है, ये कैसा कैंडल लाइन डिनर है जहाँ सब डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं, और अब वे सिंपली खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिनसन की मैनेजर बताती है कि किडनैपिंग वाले मैटर में मैंजिन को अरेस्ट कर लिया गया है और वो तुम्हारा अब हेल्प मांग रही है। लिनसन गुस्सा के कहता है, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उसका हेल्प करूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे बताओ। जहाँ वो बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बीच में इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज हमें डबल कम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर ड्रामा का शूटिंग ही कैंसिल हो जाए तो हम अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं। लिनसन कहता है, किसी भी कीमत में ड्रामा को रोकने का कोई रास्ता निकालो। दूसरी तरफ उन दोनों का डिनर हो जाता है जहाँ श्यांगी प्रिटेंड करती है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तब चैन उसके पास जाता है जहाँ वो उसे हग कर लेती है। चैन कहता है, मुझे पता था तुम नौटंकी कर रही हो। श्यांगी गुस्सा से कहती है, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। तब चैन उसे पकड़ कर टेबल पर बैठाता है एंड किस करता है, फिर पूछता है क्या ये रोमांटिक था। इस पर श्यांगी शर्माते हुए चली जाती है। नेक्स्ट डे शूटिंग पर श्यांगी काफी अच्छे मूड पर थी। नन कहता है, मुझे पता है कल रात के बारे सोचकर तुम खुश हुए जा रही हो, और पूछता है क्या तुमने पापा को किस किया। श्यांगी कहती है, छोटे बच्चे ऐसा सवाल नहीं पूछते हैं। नन कहता है, मैं तुम्हें और पापा को क्लोज करने में हेल्प कर रहा हूँ और तुम मुझे थैंक यू बोलने छोड़कर मुझे डांट रही हो। तभी वहाँ डायरेक्टर परेशान होकर आता है और कहता है, ये लिनसन एंटरटेनमेंट ये फिल्म शूटिंग रुकवाना चाहते हैं। मेरा तो लक ही खराब है जो मैं ये ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद एक क्रू मेंबर आकर श्यांगी को कहती है, आज और शूटिंग नहीं हो पाएगा, तुम घर चली जाओ। इसके बाद नन कहता है, डायरेक्टर तुमसे सही से बात नहीं कर रहा, मैं पापा को बता दूंगा। जहाँ श्यांगी कहती है, नहीं पापा को इन सब का टेंशन नहीं दो। अगले दिन डायरेक्टर के पास लिनसन एंटरटेनमेंट की आर्टिस्ट मैनेजर आकर उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है, अगर ड्रामा कैंसिल होगा तो ना फायदा तुम्हें होगा ना हमारे कंपनी को होगा, तो क्यों ना हीरोइन को ही चेंज किया जाए। नेक्स्ट डे श्यांगी अपना एक शूटिंग कंप्लीट करती है, जिसके बाद नन कहता है, पापा पिकअप करने आने वाले हैं, तब तक से तुम ड्रेस चेंज कर लो। तभी डायरेक्टर आकर कल के बिहेवियर के लिए श्यांगी से माफी मांगता है और कुछ न्यू कॉस्ट्यूम चेक करने कहता है जो कि क्रू कार में रखा था। वहीं इधर नन एंड चैन काफी देर से श्यांगी का वेट कर रहे थे। जब वो नहीं आती है तो नन उसे चेक करने जाता है। इधर श्यांगी कॉस्ट्यूम चेक करने कार के पास जाती है, तब उसे जबरन कार में बैठाकर ले जाया जाता है। वहीं उधर नन किसी को कॉल पर बातें करते हुए सुनता है कि श्यांगी को मारना नहीं है वरना हम लोग ट्रबल में पड़ जाएंगे, उसे बस अभी वेयर हाउस ले जाओ। और तभी इत्तेफाक से नन मिंगजे से मिल जाता है और उसे बताता है कि मम्मी खतरे में है, उसे वेयर हाउस ले जाया गया है। ये सुनकर मिंगजे नन को लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन गुंडों को ऑर्डर दिया जाता है कि उसके साथ कुछ करना नहीं है, बस उसका फेस डैमेज करना है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, मिंगजे और चैन आकर श्यांगी को बचा लेते हैं। अब यह चैन को मिंगजे से काफी जेलसी होता है क्योंकि वह श्यांगी का इतना केयर कर ही रहा था, इवन उन दोनों का साथ बैठा उसे देखा भी नहीं जाता है और दोनों को अलग बैठा कर ही छोड़ता है। इसके बाद घर आकर चैन कहता है, तुम कार में मिंगजे से क्लोज होने खोज रहे थे ना, जहाँ वह कहती है तो तुम मुझे उस टाइप की लड़की समझ रहे हो। चैन कहता है, मजाक कर रहा हूँ, और उसे अपने तरफ पुल करके किस करना चाह रहा था कि वहाँ लू आ जाता है। सिचुएशन समझते हुए वो वापस जाने लगता है, मगर चैन कहता है, अब आ भी जाओ, मूड तो तुमने वैसे ही खराब कर दिया है। लू उसे टीज करता है कि अब तो तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें रिलेशनशिप में आना है। फिर श्यांगी को बताता है कि उन गुंडों को पकड़ लिया गया है, वे लिनसन के आदमी थे और लिनसन इस ड्रामा को बंद करवाना चाहता है, इसलिए मुझे नहीं लगता है इस ड्रामा का और शूटिंग हो भी पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक न्यू मूवी बन रहा है, मैं ट्राई करूंगा तुम्हें कोई उसमें रोल दिला सकूं। इसके बाद चैन कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रहा हूँ। जब वो घर जाता है तो लिनसन कहता है, ये तभी घर आता है जब इसको कुछ चाहिए होता है। चैन कहता है, हाँ मैं तुम्हें ही मानने आया हूँ, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मेरे लोगों से दूर रहना। चैन लिनसन कहता है, ये तुम्हारा गलती है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड को संभाल नहीं पाते हो। उसके पापा कहते हैं, एक लड़की के लिए तुम्हें अपने भाई को नहीं मानना चाहिए, बेटर होगा तुम मेरे पसंद की कोई लड़की से शादी कर लो। जहाँ चैन कहता है, आप मुझे अपना पेट समझ रहे हैं कि आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, आपने कभी मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं है। उसके पापा थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुम्हारी मम्मी सही कहती थी, तुम्हें पैदा होने से पहले ही मार डालना चाहिए था। ये सुनकर चैन काफी हर्ट होता है। अगले दिन चैन वापस घर आता है जहाँ श्यांगी डिनर करने कहती है, पर वो भूख नहीं है कहकर वो चला जाता है। श्यांगी भी उसके पीछे जाती है जहाँ वो कुछ भी पूछने से मना करता है।
श्यांगी भी कंफर्ट फील कराते हुए कहती है, ठीक है नहीं पूछूंगी, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नेक्स्ट डे लू सुबह सुबह आकर अपडेट देता है कि एक फेमस डायरेक्टर का फिल्म आने वाला है, तो अगर तुम्हें मेन सपोर्टिंग रोल का भी रोल मिल जाएगा तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले डायरेक्टर एक वैरायटी शो करने वाला है और उसमें जो सेलेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसे रोल मिलेगा। श्यांगी कहती है, तब तो मैं इस शो के लिए काफी हार्ड वर्क करूंगी। तभी चैन को उसकी माँ का कॉल आता है कि मैं चाइना रिटर्न आ रही हूँ, तो मुझे एयरपोर्ट पिकअप करने आना। लू सोचता है एक एक कर इसका प्रॉब्लम बस बढ़ ही रहा है। इसके बाद चैन पिकअप करने चला जाता है, जहाँ उसकी माँ कहती है, हम लोग 10 साल बाद मिल रहे हैं पर तुम्हें अपनी माँ को हेलो कैसे बोलना है ये पता नहीं है, सच में तुम अपने फादर पर ही गए हो। फिर चैन उसे अपने घर ले आता है, जहाँ वो श्यांगी और नन को देखकर बोलती है, तो तुम भी अपने फादर जैसे दूसरी औरत के साथ फंसे हो। चैन कहता है, मैं फंसा नहीं हूँ और ये मेरा फ्रीडम है, मैं जिसके साथ चाहे रह सकता हूँ। अगले दिन श्यांगी कहती है, लगता है तुम्हारी मम्मी को मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जहाँ चैन कहता है, तुम कुछ मत करो, बस अपने रूम पर ही रहना, मेरी मम्मी का बिहेवियर हमेशा रूडली ही होता है, और वो अपने कंपनी चला जाता है। इधर श्यांगी अपने रूम पर ही थी, जहाँ चैन की मम्मी बिना नॉक किए ही अंदर आ जाती है और श्यांगी को चाय बनाने कहती है। श्यांगी चाय बनाती है पर वो बिना टेस्ट किए ही उसे दूसरा ग्रीन आइस टी बनाने कहती है। श्यांगी फिर से चाय बनाकर उसे देती है, मगर वो कहती है, ये देखकर ही बेकार लग रहा है, और पूछती है, तुम यहाँ से कब जाने वाली हो, मुझे सब पता है, तुम जैसी लो लेवल की लड़कियाँ अपने प्रॉफिट के लिए डायरेक्टर तो क्या किसी भी रिच आदमी को इम्प्रेस करने से पीछे नहीं हटती। श्यांगी कहती है, वो सब न्यूज फेक था, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तब नन भी आकर कहता है, तुम मेरी मम्मी के साथ इस तरह से खराब बिहेव मत करो। जहाँ वो कहती है, तो तुम इतनी चालाक हो कि शादी से पहले ही एक बच्चे को मम्मी बोलना सिखा दियो, लेकिन ना तो मैं तुम्हें कभी डॉटर इन लॉ मानूंगी और ना ही इस बच्चे को अपना ग्रैंडसन, इसलिए मेरे सामने अच्छे बनने का प्रिटेंड मत करो और इस घर से निकल जाओ, वरना सही नहीं रहेगा। इसके बाद नन श्यांगी से कहता है, ग्रैंडमा तुम्हें बुली कर रही है, मैं पापा को बता दूंगा। जहाँ वो उसे प्रॉमिस करवाती है कि इस बारे पापा को कुछ नहीं बताना। इसके बाद जब चैन घर आता है तो श्यांगी का फेस देखकर समझ जाता है कि इसका मूड कुछ ऑफ है, मगर वो कुछ नहीं बताती है। तब चैन नन से पूछता है कि क्या बात है, जहाँ वो कहता है, मम्मी का सीक्रेट बताने के लिए आपको मुझे 5 पेस्ट्रीज देना होगा। चैन कहता है, 2 पेस्ट्रीज दूंगा। नन कहता है, एटलीस्ट 3 तो चाहिए ही। चैन कहता है, 1 ही मिलेगा। तब नन 2 पेस्ट्री में डील फाइनल करके सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट डे चैन की मम्मी श्यांगी को ब्रेकफास्ट बनाने कहती है, जहाँ चैन उसे रोकते हुए कहता है, ये ब्रेकफास्ट नहीं बनाएगी, आपको जो खाना है वो मेड बनाएगी, अगर आपको खाना अच्छा ना लगे तो मैं बना दूंगा, अगर तब भी अच्छा ना लगे तो मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूंगा। बट श्यांगी यहाँ खाना बनाने के लिए नहीं है। उसकी मम्मी कहती है, आखिर ये कौन है जो इतनी शान से यहाँ रह रही है। जहाँ चैन कुछ नहीं कहता है, तब उसकी मम्मी श्यांगी से कहती है, तो तुम इतनी शेमलेस हो कि तुम इसकी लवर भी नहीं हो फिर भी इस घर में रह रही हो। ये सुनकर श्यांगी को काफी बुरा लगता है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। जब श्यांगी दरवाजा ओपन करती है तो सामने एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लीन होती है, जो कि एक एक्ट्रेस थी और चैन की चाइल्डहुड फ्रेंड भी। उसके आते ही चैन की मम्मी चैन से कहती है, ये तुम्हारी फियांसे है। ये सुनकर श्यांगी कहती है, तो सच में तुम्हारी फियांसे है। चैन की मम्मी कहती है, आई थिंक अब तुम्हें घर से निकल जाना चाहिए। इधर चैन एक्सप्लेन करना चाह रहा था, मगर वो तो गुस्सा से निकल ही जाती है। तब चैन अपनी मम्मी से कहता है, जब हमने एंगेजमेंट किया ही नहीं है तो ये मेरे फियांसे कैसे है। लीन कहती है, बट तुम्हारी मम्मी हमारे शादी के लिए एग्री है। जहाँ चैन कहता है, लेकिन मैं नहीं हूँ, और श्यांगी को जाने से रोकता है। श्यांगी कहती है, मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारे पीछे पीछे हो रही थी, तुम तो कभी मेरे साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी फियांसे है, ये फैमिली का एक्सक्यूज तो तुम्हारा बस एक बहाना था। चैन कहता है, तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है, मैंने नहीं सोचा था तुम मेरे बारे ऐसा सोचोगी, और वो चला जाता है। फिर श्यांगी सोचती है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसे काफी बुरा लगा होगा, और सोचती है रात में घर जाकर सॉरी कहूंगी, तब तक लीन भी चली जाएगी। लेकिन जब वो रात को घर आती है तो लीन वही थी। लीन उसे कहती है, मुझे लगा तुम चली गई। तब तक से चैन भी कंपनी से वापस आ जाता है और श्यांगी से पूछता है, तुम अंदर अब तक से क्यों नहीं गई हो, और लीन से कहता है, तुम मेरे घर में अब तक से क्या कर रही हो। फिर अंदर से नन आकर श्यांगी को घर घुसाता है। चैन अपनी मम्मी से पूछता है कि लीन अब तक से यहाँ क्या कर रही है। जहाँ वो कहती है, मैंने उसे यहाँ रहने का परमिशन दिया है। तब श्यांगी बिना खाकर ही अपने रूम चली जाती है। ये देखकर नन भी चला जाता है। चैन लीन से कहता है, कल सुबह यहाँ से तुम निकल जाना,
चैन की मम्मी कहती है, क्यों? जब श्यांगी यहाँ रह सकती है तो मैं लिन को यहाँ क्यों नहीं रख सकती? चैन कहता है, इस घर का ऑनर मैं हूँ। जहाँ उसकी मम्मी कहती है, तुम पहले भी मेरा बात नहीं सुनते थे और आज भी नहीं सुन रहे हो, तुम सच में अपने फादर जैसे ही हो, एक ही खून बह रहा है तुम सबका। तुम्हारे और तुम्हारे फादर के वजह से मैं बीमार हुई थी, तुम मेरा गलती थे, तुम्हारे वजह से मुझे उस आदमी से शादी करना पड़ा। चैन कहता है, अगर मैं आपका गलती था तो आप वापस आई ही क्यों? जहाँ वो कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें सुधारना चाहती हूँ ताकि तुम अपने पापा जैसा ना बनो। तुम भी दूसरी औरतों के बीच घिरे रहते हो, मैं तुम्हें डिसिप्लिन करने आई हूँ। अगर तुम मेरा बात सुनोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगी। चैन को उसकी साइको माँ का बात सुनकर काफी हर्ट होता है। अगले सीन चैन अपने पेनफुल पास्ट को याद करके सो भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो नींद का मेडिसिन खाता है। जहाँ श्यांगी सोचती है, ये क्या चीज का मेडिसिन ले रहा है। नेक्स्ट डे लिन श्यांगी को दिखाकर चैन से चिपकती है, जो कि ये देखकर श्यांगी गुस्सा से निकल जाती है और लू को कॉल करके कहती है, एक्टिंग क्लास कब से है, मुझे आज से प्रैक्टिस करना है। लू कहता है, एक्टिंग क्लास तो कल से है। फिर पूछता है, क्या चैन के साथ लड़ाई हुआ है? तभी श्यांगी को मिंजे का कॉल आता है और अगले सीन हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। जहाँ मिंजे पूछता है, क्या बात है, तुम्हारा मूड कुछ सही नहीं है। श्यांगी कहती है, क्या मैं इतनी उदास लग रही हूँ? मिंजे कहता है, जब तुम अपने इमोशंस भी नहीं छुपा पा रही हो तो शो कैसे जीतोगे? फिर कहता है, क्या चैन के वजह से मूड ऑफ है? वैसे तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर सकती हो, मैं अब भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ पता है तुम मुझे फिर से रिजेक्ट करने वाली हो, इसलिए कुछ मत ही करो तो ही अच्छा है, मैं तो बस तुम्हें कम्फर्ट फील करा रहा हूँ। वही दूसरी तरफ लू चैन को टीज करता है, जहाँ वो उसे उसके ऑफिस से जाने कहता है और लू भी जाने से पहले एडवाइस देता है कि गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए अपना एटीट्यूड थोड़ा कम करना और उसे कुछ गिफ्ट देना। और हम देखते हैं चैन सच में श्यांगी के लिए गिफ्ट खरीदता है। इधर श्यांगी घर आती है तो लिन कहती है, मुझे लगा था अब की बार तुम घर से चली ही गई हो, लगता है इंसल्ट होकर ही तुम घर से निकलोगी। श्यांगी कहती है, पहले तुम अपना देखो, कहीं मुझसे पहले चैन तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर न निकाल दे। वहीं उन्हें ऐसा देख नन सोचता है, लगता है ग्रैंडपा को बताना ही होगा कि सब मम्मी को बुली कर रहे हैं। और इधर श्यांगी सोच रही थी कि क्या चैन सच में बीमार है, तभी उसके दादाजी चैन के घर आते हैं, जहाँ नन बताता है कि ये आंटी मम्मी को बुली करती है। तब लिन कहती है, आई थिंक आपको अपनी डॉटर को यहाँ से ले जाना चाहिए। दादाजी चैन से कहते हैं, तुम्हारे कहने पर मैंने श्यांगी को यहाँ रहने का परमिशन दिया था, पर लगता है अब मेरी डॉटर के साथ सही से ट्रीट नहीं हो रहा है, तो मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। नन कहता है, ग्रैंडपा मैं आपको हेल्प के लिए बुलाया था और आप उल्टा मम्मी को ही लेकर जा रहे हो। श्यांगी नन से कहती है, कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन नन नहीं जाता है। चैन जब इसका रीजन पूछता है तो नन कहता है, क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, ये दोनों आंटी बुरी है। अगले सीन चैन की मम्मी कहती है, अच्छा है वो चली गई, अब नेक्स्ट मंथ तुम लिन से एंगेजमेंट करना। लेकिन चैन मना करता है, तो वो कहती है, तुम चाहते हो या नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करूं, तो तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूंगी। चैन कहता है, आप लोग कैसे पेरेंट्स हैं जो मेरे फीलिंग्स का केयर ही नहीं करते, सिर्फ मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। उसकी मम्मी थप्पड़ मारते हुए कहती है, अपने पापा के साथ मेरा कंपेयर मत करो। तभी नन आकर कहता है, तुम मेरे पापा को मत मारो। अब चैन नन को वहाँ से लेकर चला जाता है। जहाँ नन पूछता है, क्या वो सच में आपकी मम्मी है, उसने आपको क्यों मारा? आप और मम्मी तो मुझे कभी नहीं मारते हो। चैन कहता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती। तब नन उसे हक करते हुए कहता है, मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन चैन की मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी की थी, जहाँ नन उसके बनाए ब्रेकफास्ट में टूथपेस्ट मिक्स कर देता है और जब उसकी मम्मी टेस्ट करती है तो लिन को काफी सुनाती है। फिर लिन देखती है ये सब नन का काम है। वो उसे लेकर चैन की मम्मी को बताती है कि ये बदमाशी इस बच्चे का है। जहाँ चैन की मम्मी कहती है, ना चैन के पापा को कोई मैनर है, ना चैन को और ना ही उसके बच्चे को, और नन को मानने वाली होती है कि चैन वहाँ आ जाता है। उसकी मम्मी कहती है, मैं तो उसे डिसिप्लिन सिखा रही थी। चैन कहता है, क्या डिसिप्लिन मार के सिखाया जाता है, जैसा तुम बचपन में मुझे मारा करती थी। तब लिन कहती है, ये बचपन में इतना बदमाश है, बड़ा होकर और बदमाशी करेगा। जिस पर चैन कहता है, ये मेरा बच्चा है तो तुम्हें फिकर करने की जरूरत नहीं है। और नन से पूछता है, क्या सच में तुमने उनके साथ प्रैंक किया था? जहाँ वो कहता है, हाँ मैं तो उन्हें बस सबक सिखा रहा था। चैन समझाता है, बड़ों के साथ ऐसा प्रैंक नहीं करते हैं, और अपना गलती लिखकर अपनी मम्मी को सुनाने कहता है। नन कहता है, लगता है आप मम्मी को मिस कर रहे हैं। उधर दादाजी श्यांगी से कहते हैं, उस चैन को इतना मिस करने का कोई जरूरत नहीं है। तभी उसे नन का कॉल आता है, जहाँ दादाजी फोन स्पीकर में रखने कहते हैं और चैन का आवाज सुनकर ही कॉल काटने कहते हैं। पर नन अपने बातों से दादाजी को बहला फुसला कर किसी तरह उन दोनों को बात करवाई देता है, मगर चैन बस इतना कहता है कि अपना ख्याल रखना। तब नन कहता है, इसलिए आप अब तक से सिंगल है।
सीन शिफ्ट होता है और लिन कॉफी लेकर चैन के पास जाती है और उसे चिपकने लगती है। फिर कहती है, मुझे पता है तुम अपनी मम्मी के साथ अपना रिलेशन ठीक करना चाह रहे हो, तो तुम्हें जब मेरे थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो तुम इसे उस सियांगी के लिए गवाह क्यों रहे हो। लेकिन चैन उससे कहता है, बेटर होगा अगर तुम उसे सुनना नहीं चाहती हो तो चली जाओ। इसके बाद चैन नन के साथ सो रहा था, लेकिन अपनी मम्मी और लिन के टेंशन से उसे नींद नहीं आ रहा था। वो मेडिसिन खोजता है पर वो भी खत्म हो चुका था, इसलिए वो खरीदने चला जाता है। उसके जाते ही नन सियांगी को कॉल करके बताता है कि पापा का तबीयत खराब लग रहा है, उन्हें आजकल नींद भी नहीं आता है और वे टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहते हैं। अभी उनके पास मेडिसिन खत्म हो गया है तो वो खरीदने गए हैं। ये सुनकर वो चैन को कॉल करती है, जहाँ वो कहता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। सियांगी जल्दी से चैन के पास जाकर कहती है, तुम आने से पहले बताया क्यों नहीं, अगर मैं कॉल नहीं करती तो तुम बाहर ही रहते। तब चैन उसे हक करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे लिए वरीड हो, मुझे तो लगा तुम उसे अब तक से गुस्सा हो। सियांगी कहती है, ऑफकोर्स मैं वरीड हूँ। चैन कहता है, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। सियांगी पूछती है, क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो, जहाँ वो कहता है नहीं। तब सियांगी उसे अपने रूम ले आती है और पूछती है, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम उसे शेयर कर सकते हो। चैन बताता है कि लिनसन के घर में आने के बाद मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया था, फिर मम्मी अब्रॉड चली गई और मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं की। उस टाइम मैं 13 साल का था, तब से मुझे ना मम्मी का प्यार मिला ना पापा का, लेकिन अब जब वो वापस आई है तो मैं बस चाहता था कि अगर मैं उनके साथ थोड़ा सा ऑबिडेंट रहूं तो वो मुझसे प्यार करेगी, लेकिन इस वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। सियांगी कहती है, डोंट वरी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तब चैन उसे एक गिफ्ट देते हुए सॉरी कहता है। सियांगी कहती है, गलती तो मेरा भी है, मुझे पता था कि तुम लिन से प्यार नहीं करते हो, फिर भी मैं तुम पर गुस्सा थी। चैन कहता है, बस तुम मेरे साथ रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और उसे किस करता है। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह दोनों का नींद खुलता है तो चैन उसे फिर किस करने वाला रहता है कि दादाजी आ जाते हैं और चैन को यहाँ देख कर चिल्लाने लगते हैं कि तुम मेरे घर में कर क्या रहे हो। इसके बाद चैन एक्सप्लेन करता है कि वो लड़की मेरी फ्रेंड है, फियांसे नहीं है, और मैंने उसे घर से चले जाने कहा है। दादाजी कहते हैं, अगर तुम्हारी मम्मी नहीं मानी तो। चैन कहता है, तो मैं घर से निकल जाऊंगा और यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। दादाजी कहते हैं, यहाँ क्यों, जहाँ वो समझाता है कि अगर मैं दूसरी जगह रहूंगा तो वो दोनों वहाँ भी चली जाएंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ रहूंगा तो वो लोग यहाँ नहीं आएगी। इस पर दादाजी कहते हैं, ठीक है, पर तुम्हें गेस्ट रूम में रहना होगा। फिर चैन नन को लाने जाता है, जहाँ उसकी मम्मी उसे सुनाने लगती है। तब चैन भी कहता है, ना तो तुम मुझसे कभी प्यार की हो और ना ही पापा, बस तुम दोनों मुझे कंट्रोल करके रखना चाहते हो। मुझे लगा था मैं अगर आपको अच्छे से ट्रीट करूंगा तो आप मुझे अपना बेटा जैसा मानेंगी, लेकिन आप मुझे बस कंट्रोल करना चाहती हैं। अगर आप लिन को यहाँ रखेंगी तो मैं ही इस घर से चला जा रहा हूँ। जहाँ उसकी मम्मी कहती है, अगर इस घर से तुम गए तो तुम्हें अपना बेटा मैं कभी नहीं मानूंगी, पर चैन तो चला जाता है। तब उसकी मम्मी लिन से कहती है, उस सियांगी में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है। लिन कहती है, मैंने सुना है वो एक शो में पार्टिसिपेट कर रही है। चैन की माँ कहती है, सियांगी तुमसे बेटर नहीं हो सकती, मैं भी तुम्हें शो में पार्टिसिपेट कराने का अरेंज करती हूँ। अगले दिन चैन और नन सियांगी से कहते हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और वो तुम्हें शो में जाकर पता चलेगा, और सरप्राइज ये होता है कि उसके साथ शो में नन भी पार्टिसिपेट करता है। ये देख वो काफी खुश होती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सेम ग्रुप में लिन भी है और अब इसलिए वो खुश से ज्यादा नर्वस हो जाती है। इसके बाद उनके ग्रुप की टीचर आकर उन्हें रिहर्सल करने कहती है, जहाँ नर्वसनेस के कारण सियांगी सही से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी, इसलिए टीचर सियांगी को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने कहती है। नेक्स्ट दिन सियांगी दो लड़की से बातें करते हुए सुनती है, जहाँ वे फेमस एक्टर ई के बारे बात कर रही थी कि उसने भी इस शो में हिस्सा लिया है। फिर जब सियांगी उसे देखती है तो वो सियांगी को देखकर इग्नोर करता है। सियांगी सोचती है, देखकर ही कितना खड़ूस लग रहा है। फिर नन उसे चैन के पास ले जाता है। सियांगी कहती है, तुम यहाँ, जहाँ वो कहता है, मैं इस शो का प्रोड्यूसर हूँ और पूछ रही हूँ मैं यहाँ क्यों हूँ। वैसे मैंने सुना है लिन भी इस शो में है, सिम तुम्हारे ग्रुप में, तुम कहो तो मैं तुम्हारा ग्रुप चेंज करवा सकता हूँ। सियांगी कहती है, अगर मैं ग्रुप चेंज करूंगी तो उसे लगेगा मैं उसे डर गई हूँ। वही दूसरी तरफ दो लड़की आपस में बातें करती हैं कि इस शो का प्रोड्यूसर चैन एंटरटेनमेंट का सीईओ है, काफी हैंडसम है वो, और उन्हें बातें करता लिन सुन लेती है। लिन उनसे पूछती है, चैन कहाँ है, जहाँ एक बताती है कि हमने उसे डायरेक्टर के साथ देखा था और उन्हें लगता है कि दोनों एक दूसरे से क्लोज हैं। पर जब लिन चैन के पास जाती है तो सियांगी और उसका लबी डबी बातें सुन गुस्सा जाती है। तभी उससे ई भेटाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फैन हूँ। लिन कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना फेमस एक्टर मेरा फैन होगा,
और उसे सियांगे के अगेंस्ट करती है। वो कहती है मैं सियांगे के साथ सेम ग्रुप में हूँ, पर उसका एक्टिंग इतना खराब है कि लग रहा है मैं भी उसकी वजह से फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो जाऊंगी। एक्चुअली उसके जैसे अनप्रोफेशनल एक्टर कहाँ समझ पाएगी कि एक्टर कितना हार्ड वर्क करते हैं। अगले सीन सभी कैंडिडेट के बीच में एक छोटा सा गेम खेला जाता है जिसमें एक किसी को ड्रम बजाना होता है और बाकी को बुक पास करना रहता है। ड्रम के बजने के बंद होने के साथ ही जिसके हाथ में बुक होगा उसे सवाल पूछा जाएगा। अब यहाँ ई ड्रम बजाता है और जैसे ही बुक श्यांगे के हाथ में आता है वो बजाना बंद कर देता है। इसलिए वो श्यांगे से सवाल करता है कि जब तुम एक आइडल हो तो अपना प्रोफेशनल काम छोड़कर एक्टिंग के फील्ड में क्यों आई हो। जहाँ श्यांगी कहती है क्योंकि मुझे एक्टिंग का भी शौक है। ये फिर पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छी एक्टर बन पाओगी। जहाँ वो कहती है मैं हार्ड वर्क करूंगी। ये कहता है तो फिर ये भी याद रखना कि इस प्रोफेशन को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद एक दूसरी कैंडिडेट पूछती है क्या तुम ये को जानती हो, वो सिर्फ तुम्ही को टारगेट क्यों कर रहा था। श्यांगी कहती है पता नहीं। अगले सीन ई फिर श्यांगी से कहता है जब तुम एक्टिंग का फील्ड चूज की हो तो इस प्रोफेशन का रेस्पेक्ट करना और हार्ड वर्क करना। फिर हम देखते हैं वो घर आकर अपने एक्टिंग का रिहर्सल करती है जहाँ चैन भी उसका हेल्प करता है। दादाजी कहते हैं ठीक ठाक एक्टिंग है बट थोड़ा और इम्प्रूवमेंट का जरूरत है और फिर सबको सो जाने कहता है, स्पेशली चैन को गेस्ट रूम में। लेकिन नन तो अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। तब सियांगी उसे अपने रूम ले आती है जहाँ चैन उसे टीज करता है कि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारा रूम आऊँ, तुम्हें पता भी है ये कितना डेंजरस है। और वो सियांगी से काफी क्लोज था तो वो अपना आईज बंद कर लेती है, पर चैन तो बस उसे टीज ही कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग लू उनके घर आकर चैन को एक लव स्टोरी बुक देते हुए कहता है ये बुक तुम्हारे बेटे ने खरीदने बोला था, बेचारा तुम्हें सिखाने के लिए कितना परेशान है। सीन शिफ्ट होता है और श्यांगी और नन शो पर पहुंचते हैं जहां लिन सभी मेंबर के लिए कॉफी लाई थी। यहाँ चैन की मम्मी स्टाफ से कहती है कि मेरी डॉटर इन लोग का ख्याल रखना। ये सुनकर एक स्टाफ लिन से कहती है तुम तो सच में काफी लकी हो जो इतने बड़े सीईओ की फियांसे हो। तब नन कहता है ये मेरे पापा की फियांसे नहीं है। अब श्यांगी के जाने के बाद वे आपस में बातें करती है कि लगता है चैन के बेटे का अपनी स्टेप मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। दूसरी कहती है मैंने सुना है चैन और श्यांगी का एक्स्ट्रा अफेयर है। वहीं दूसरी तरफ इन सब से श्यांगी का मूड ऑफ था। तभी वहाँ मिंगजी आकर श्यांगी को कंफर्ट फील कराता है और कहता है तुम चाहो तो हम लोग अभी भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। नन कहता है अंकल आप मम्मी को इस तरह अप्रोच नहीं कर सकते। जहाँ मिंगजी कहता है तो क्यों ना तुम भी अपना मूड चेंज कर लो और मुझे अपना पापा बना लो, मैं तुम्हें डेली स्नैक्स एंड आइसक्रीम खिलाऊंगा। नन सोचता है बात तो सही है, अंकल के पास स्नैक्स का कभी कमी नहीं होगा। लेकिन फिर कहता है नहीं बट मैं आपके साथ स्नैक्स खा सकता हूँ। ये सुनकर श्यांगी हंस पड़ती है। फिर मिंगजे श्यांगी को डिनर के लिए ऑफर करता है जहाँ नन भी जाने के लिए एक्साइटेड होता है। फिर तभी वहाँ चैन आता है तो मिंगजे को यहाँ देख उसे श्यांगी से दूर रहने कहता है। लेकिन उल्टा मिंगजे उसे और गुस्सा दिलाता है कि मुझ पर ध्यान देने से अच्छा है कि तुम अपने र्यूमर पर ध्यान दो, यहाँ पूरे टीम को पता है कि लिन तुम्हारी फियांसे है। वैसे अच्छा ही है, आज नहीं तो कल श्यांगी तुम्हें गिव अप कर ही देगी, तब मैं मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद चैन श्यांगी के पास जाकर कहता है क्या बात है, क्या लिन तुम्हें फिर से परेशान कर रही है। बट डोंट वरी मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम बस मुझसे गुस्साना नहीं, तुम जब मुझसे गुस्साती हो तो मेरे दिल को हर्ट होता है। ये सुनकर श्यांगी कहती है ये सब बोलना तुमने कहाँ से सीखा। जहाँ चैन कहता है नन ने एक लव स्टोरी बुक दिया था। ये सुनकर वो हंसने लगती है। फिर श्यांगी अपने रिहर्सल के लिए चली जाती है। तब चैन लिन को अपने पास बुलाता है और कहता है तुमने यहाँ जो हमारे बारे र्यूमर फैलाया है अगर मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूं तो तुम्हें पता भी है तुम्हें कितना एम्बैरस होना पड़ेगा। और उसे आखिरी वार्निंग देता है कि मेरे साथ गेम खेलने का कोशिश मत करो क्योंकि ये अब्रॉड नहीं है, यहाँ तुम्हारे एक गलती के वजह से तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। अगले सीन रिहर्सल साइट हम श्यांगी और लिन को देखते हैं जहाँ टीचर उन्हें पहले स्क्रिप्ट समझाती है फिर वो रिहर्सल करती है। यहाँ जानबूझकर लिन श्यांगी को बुली करती है। जहाँ नहीं मानने का रहता है वहाँ भी वो उसे मारती है एंड ये सब ई देख रहा होता है। इसके बाद वो श्यांगी को आइस पैक देता है। श्यांगी सोचती है कितना अजीब है ये, कभी मुझसे ढंग से बात नहीं करता है तो कभी मेरा केयर करने लगता है। वेल नेक्स्ट सीन उनका फाइनल परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है लेकिन यहाँ लिन जानबूझकर स्क्रिप्ट थोड़ा चेंज कर देती है और ऐसा शो कराती है कि ये सारा मिस्टेक श्यांगी का है। इसके बाद जब मेंटर भी उनके परफॉर्मेंस पर कमेंट करते हैं तो वे श्यांगी को अपने एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट करने कहते हैं, पर ई कहता है अगर परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो मिस्टेक सिर्फ 1% का नहीं है,
वहीं शो का डायरेक्टर कहता है क्योंकि श्यांगी एक न्यू एक्टर है तो इस तरह का मिस्टेक होना लाजमी है और उसे और अधिक हार्ड वर्क करने कहता है। इधर चैन लो से कहता है पता करो लिन का और क्या साइड बिजनेस चल रहा है। अब सोशल साइट पर सब श्यांगी के पोअर एक्टिंग का खिल्ली उड़ाते हैं जो देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब नन आकर उसे कम्फर्ट फील कराता है कि मम्मी तुम बहुत अच्छा एक्टिंग करती हो। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं चैन अपने फादर को विजिट करने हॉस्पिटल जाता है जहां उसके फादर कहते हैं अब मैं काफी ओल्ड हो चुका हूं इसलिए तुम जल्दी से मेरे पसंद की लड़की से शादी कर लो ताकि हमारा फैमिली बिजनेस तुम आगे बढ़ा सको। चैन कहता है आखिरी वक्त में भी आप मुझे कंट्रोल करना नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन मैं अपने मर्जी से शादी करूंगा और वहां से वो चला जाता है। लिन सैन चैन को रोकता है कि बचपन से इस फैमिली का सब कुछ तुम्हारा है बट अब मुझे भी शेयर चाहिए। जहाँ चैन कहता है तुम्हारा कुछ था ही कहाँ जो तुम्हें तुम्हारा शेयर मिलेगा और उनका ये बात लिन सुन लेती है। फिर लिनसन के जाने के बाद वो चैन से कहती है तो तुमने मेरे सारे इवेंट्स कैंसिल करवा दिए। जहाँ वो वार्न करता है कि अगर इसी तरह तुम्हारा हरकत रहा तो भूल जाओ कि तुम्हें मैं करियर पर सक्सेस होने भी दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और चैन घर वापस आता है जहाँ श्यांगी पूछती है क्या बात है। चैन बताता है वही फैमिली मेलोड्रामा मम्मी मेरे लिए फियांसे चूज करी है तो पापा मेरे लिए लड़की मुझे इन सब का आदत हो गया है पर फिर भी अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। श्यांगी कहती है टेंशन नहीं लो कोई तुम्हारे लिए कुछ भी चूज करे मैं किसी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वही अब श्यांगी के शो का सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और इस बार उसके ग्रुप में ई और एक दूसरी लड़की होती है तो वे अपना एक्टिंग स्टार्ट करते हैं जहां ई उसे गाइड करता है। यहां उसके ग्रुप की एक मेंबर श्यांगी से काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि अपने स्क्रिप्ट के साथ साथ उसे बाकी का भी स्क्रिप्ट याद था। वहीं दूसरी तरफ लिन और नन फिर से सेम ग्रुप में थे पर यहां उसके ग्रुप की मेंबर नोटिस करती है कि लिन और नन का रिलेशन कुछ सही नहीं है फिर भी वो इग्नोर करके लिन को रिहर्सल करने कहती है। इधर ई श्यांगी से कहता है मैं तुम्हें जैसे समझता था तुम वैसी हो नहीं। श्यांगी कहती ऑफ कोर्स तुम बिना जाने ही जज करते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर पूछती है तुम लिन के फैन हो तो उस दिन स्टेज पर मेरा सपोर्ट क्यों किए। जहाँ वो कहता है क्योंकि मैं अंधा नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ लिन अपने टीममेट को डांट रही थी कि तुम्हें तो एक्टिंग करना आता ही नहीं है। उसी टाइम ई भी वहाँ आता है और उस लड़की को कम्फर्ट फील कराता है जहाँ वो कहती है ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इधर हम देखते हैं श्यांगी के टीम की उस लड़की को लिन सैन कॉल करता है और कहता है श्यांगी को शो से हटाना है तुम्हें। अगले दिन श्यांगी का ग्रुप फिर से रिहर्सल कर रहा था जहां टीचर श्यांगी से कहती है गुड तुम्हारा एक्टिंग में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके बाद ब्रेक टाइम श्यांगी चैन के लिए एक गिफ्ट तैयार कर रही थी जो कि ई ले लेता है और देता ही नहीं है और उसी टाइम चैन वहां आ जाता है तो ई कहता है श्यांगी ने ये मुझे गिफ्ट करा है। श्यांगी कहती है मैंने उसे गिफ्ट नहीं दिया है उसने छीन लिया है वो गिफ्ट तुम्हारे लिए था लेकिन चैन तो तभी जालस हो रहा था। इसके बाद श्यांगी चैन के साथ नन का रिहर्सल देखने जाती है। वहीं ई लिन को प्रॉप रूम से बाहर निकलते हुए देखता है एंड जब नन अपना रिहर्सल करता है तो हम देखते हैं उसका वायर कटा हुआ था जिस वजह से वो गिर जाता है। लकीली चैन और श्यांगी मिलकर उसे बचा लेते हैं जिसके बाद चैन सभी टीम मेंबर को इस एक्सीडेंट का एक्सप्लेनेशन मांगता है। जब प्रॉप मास्टर बताता है मैंने काफी बार सब कुछ खुद से चेक किया था सब ओके था। जब कोई इसका रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता है तब ई बताता है कि मैंने लिन को प्रॉप रूम से बाहर निकलते देखा था लेकिन लिन ये एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देती है और ब्लेम उसकी टीममेट पर लगा देती है। जहाँ चैन कहता है मुझे पता है तुम्हें ऐसा किया है इसलिए इस शो से क्विट कर लो अगर अपना करियर बचाना है तो। और तब चैन की मम्मी आकर कहती है विदाउट मेरे परमिशन एंड विदाउट एविडेंस तुम किसी को शो से क्विट नहीं करवा सकते और लिन को बचाने के लिए उसकी टीममेट पर सारा ब्लेम लगा देती है। चैन कहता है लिन को बचाने के लिए आप सारा ब्लेम दूसरे पर लगा दी है जिस पर उसकी मम्मी कहती है लिन तुम्हारी फियांसे है तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। चैन कहता है आप क्यों हमेशा मेरे फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहती हैं? उसकी मम्मी कहती है तुम बिल्कुल अपने फादर जैसे हो तुम्हें पैदा होने के साथ मार देना अच्छा रहता। तब श्यांगी गुस्सा से कहती है कौन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा ट्रीट करता है आप सच में माँ कहलाने के हकदार नहीं है। इस पर चैन की मम्मी उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम होती कौन हम उसे बात करने वाली। जहाँ चैन कहता है मैं इसे लाइक करता हूँ। अब ये सुनकर श्यांगी काफी खुश होती है। वहीं ई बड़ा अपसेट होकर पूछता है क्या तुम और चैन रिलेशनशिप में हो। श्यांगी कहती है अभी तक तो नहीं। ये सुनकर वो खुश होते हुए कहता है चलो तब रिहर्सल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैन नन के साथ हॉस्पिटल में था जहां कुछ देर बाद श्यांगी उनके लिए खाना लेकर आती है तो नन उसे बताता है कि पापा थोड़े परेशान हैं तुम उन्हें किस करोगी तो वे ठीक हो जाएंगे। तब श्यांगी चैन को एक गिफ्ट देती है और कहती है इससे तुमको अच्छा नींद आएगा।
फिर वह श्यांगी को घर जाने कहता है क्योंकि कल उसे शो में जाना भी था। नन कहता है पापा आप भी मम्मी के साथ घर जाओ, लेकिन श्यांगी कहती है चुपचाप से सो जाओ तुम, पापा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। नन चैन से कहता है मम्मी आपका कितना केयर करती है, आपको उनके साथ होना चाहिए वरना आप सिंगल ही रह जाओगे। चैन पूछता है तो मुझे क्या करना चाहिए, और अब नन के एडवाइस से चैन श्यांगी को रोमांटिक मैसेज करता है जिसे देख श्यांगी को हंसी आता है और वह रिप्लाई करती है कि बेकार सा डायलॉग है। नन कहता है आप फिर से मैसेज करो, उससे अच्छा लगा है बट वो बोल नहीं रही है। चैन कहता है बेटा पहले तुम तो सो जाओ। नेक्स्ट डे श्यांगी अपना रिहर्सल कंप्लीट कर ब्रेक लेती है, तब मिंगजी आकर कहता है तुमने कहा था तुम मेरे साथ डिनर करोगी, तो पीछे से चैन भी उसे अपने साथ डिनर में ले जाने आता है। वहीं उसी टाइम ई भी साथ में डिनर करने के लिए श्यांगी को बोलने आया था। अब श्यांगी को बड़ा एम्बेरस फील हो रहा था कि किसके साथ डिनर किया जाए, और वो चैन को सिलेक्ट करती है। फिर वो चैन का हाथ पकड़ कर जा रही होती है जहाँ उसकी टीममेट दोनों का फोटो कैप्चर कर लेती है। नेक्स्ट सीन श्यांगी और चैन साथ में डिनर करते हैं, जहाँ श्यांगी कहती है आज काफी खुश दिखाई दे रहे हो, मेरे साथ डिनर कर रहे हो इसलिए। चैन कहता है क्यों मैं ऐसे खुश नहीं रह सकता क्या, और कहता है तुम कहो तो हम लोग शॉपिंग पर चल सकते हैं या फिर मैं तुम्हें पॉकेट मनी ही दे देता हूँ। और श्यांगी देखती है कि उसने 30,000 ट्रांसफर करा है। वह कहती है 30,000 बड़ा कोई पॉकेट मनी देता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ नन अपने फ्रेंड से मिलने ऑर्फनेज जाता है, और वहाँ से आने के बाद चैन एंड श्यांगी को मस्का लगाता है कि मैं कुछ दिनों के लिए मेरे दोस्त को यहाँ इनवाइट करना चाहता हूँ। चैन कहता है अगर वो यहाँ आएगा तो तुम दोनों एक रूम में रहोगे, फिर मैं कहाँ सोऊंगा। नन कहता है आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके मम्मी के साथ रह सकते हैं। चैन कहता है अच्छा ठीक है, मैं ऑर्फनेज के हेड से बात करूंगा। अगले दिन नन का फ्रेंड नन के घर आता है, इसलिए चैन सोने के लिए श्यांगी का रूम जाता है। तभी लू श्यांगी को कॉल करके ट्रेंडिंग न्यूज देखने कहता है, जहां उन्हें पता चलता है कि किसी ने ये ऑनलाइन पोस्ट करा था कि श्यांगी सीओ चैन एक्टर ई और केपॉप आइडल मिंगजे तीनों को एक साथ डेट कर रही है। लू कहता है अभी किसी भी कमेंट पर कोई रिस्पांस नहीं देना, पहले मैं पता करता हूं कि ये किसका काम है एंड देन मिंगजे और ई के साथ सब कुछ क्लियर करना होगा। और तभी चैन अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करता है कि हम अभी तक कपल नहीं है, अब तक से मैंने उसे प्रपोज नहीं किया है। ये देखकर लू माथा पीट लेता है कि तुम ये पोस्ट करके मेरा परेशानी और बढ़ा रहे हो, और रिक्वेस्ट करता है कि अभी और कुछ पोस्ट नहीं करना। श्यांगी चैन से कहती है क्या इन सबसे तुम्हारे कंपनी को इफेक्ट पड़ेगा, जहाँ वो कहता है डोंट वरी मैं हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट डे लू श्यांगी को बताता है कि ये काम तुम्हारे टीममेट का है, उसे लिनसन ने ऐसा करने कहा था। श्यांगी उसके पास जाकर पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं डर कर शो से क्विट कर लूंगी तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो लड़की कहती है विदाउट एविडेंस तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। जहाँ लू कहता है तुम्हें हराने के लिए एविडेंस नहीं, श्यांगी अपने परफॉर्मेंस से ही तुम्हें बीट कर सकती है। तब चैन की मम्मी कहती है लगता है तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में हो, और यहाँ उन्हें पता चलता है कि चैन की मम्मी आज के शो की गेस्ट मेंटर है। ये जानकर वो अब डाउट में रहते हैं कि पता नहीं क्या रिजल्ट होने वाला है। वेल नेक्स्ट इन कैंडिडेट के एलिमिनेशन का टाइम आता है, जहाँ उनके परफॉर्म के अकॉर्डिंग मेंटर को वोट देना था। रूल के अकॉर्डिंग कम वोट वाले कैंडिडेट को एलिमिनेट होना था, तो यह श्यांगी के टीम का परफॉर्म प्ले किया जाता है, जहां उनका रोमांटिक सीन देखकर चैन को जेलसी होता है, तो बाकी परफॉर्म देखकर सभी श्यांगी का तारीफ करते हैं। इसके बाद सभी मेंटर वोटिंग करते हैं जिसमें ई को सबसे हाईएस्ट स्कोर मिलता है और श्यांगी एंड उस लड़की को सेम वोट मिलता है, जहाँ डायरेक्टर फाइनल में जाने का अपॉर्चुनिटी श्यांगी को देता है, इसलिए अब वो लड़की एलिमिनेट हो जाती है। ये न्यूज पाकर लिनसन का पारा और गर्म हो जाता है। इधर ई फाइनलिस्ट बनने की खुशी में श्यांगी को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। वहीं दूसरी तरफ चैन की मम्मी चैन को बुलाकर कहती है तुम घर वापस कब आओगे। चैन कहता है जब तुम मुझे कंट्रोल करना छोड़ दोगे, और अब मैं थक चुका हूँ मुझे शांति से जीना है। उसकी मम्मी कहती है अगर तुम मेरा बात नहीं सुनोगे तो मैं यहीं ये माँ बेटे का रिश्ता खत्म कर दूंगी। चैन कहता है जैसा आपको ठीक लगे, आप अपना ख्याल रखना, इन फ्यूचर मैं आपसे और कभी कॉन्टेक्ट नहीं करूँगा, और वो अपनी मम्मी को गुड बाय कहकर चलते बनता है। इसके बाद उसकी मम्मी गुस्सा से लिन से कहती है तुम एकदम ही यूजलेस हो, जो एक लड़के को अप्रोच तक नहीं कर पाई, तुम्हारा मैंने कितना हेल्प किया है पर तुम किसी काम के नहीं हो। लिन सोचती है अब ये चैन और उसकी मम्मी मेरे किसी काम के नहीं लग रहे, मुझे किसी तरह ये सो जीतना होगा ताकि मेरे करियर स्टेबल रहे। वहीं श्यांगी और ई डिनर करके वापस आते हैं, जहां ई उसे अपना फीलिंग कन्फेस करने के लिए रोकता है, मगर तब तक वहाँ चैन आ जाता है, तो ई पूछता है क्या तुम लोग दोनों साथ में रहते हो, पर तुमने तो बताया था तुम लोग रिलेशनशिप में नहीं हो। तब श्यांगी कहती है हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है बट हम लोग साथ रहते हैं।
तभी बिना अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस किए ही चला जाता है, जिसके बाद श्यांगी के हाथों में टेडी बियर देखकर शैन कहता है तो वो तुम्हें लाइक करता है। श्यांगी कहती है नहीं, वो तो हमेशा मुझे डांटते रहता है। शैन टेडी लेते हुए कहता है कल मैं तुम्हें इससे बड़ा टेडी दूंगा, और अंदर जाकर वो टेडी नन को दे देता है। नेक्स्ट डे श्यांगी चैन का साइकेट्रिस्ट से मिलती है, जहां वो कहता है अब चैन का इंसोम्निया और एंजाइटी डिसऑर्डर नॉर्मल है, तो अब तुम लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट करने का ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट दिन चैन श्यांगी के लिए एक बड़ा सा टेडी लाता है, तो वो देखकर खुश होती है कि सच में कितना जेलस इंसान है। सीन शिफ्ट होता है और श्यांगी का फाइनल राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ उसकी कंपटीटर लीन थी, लेकिन यहाँ लीन बड़ा सॉफ्ट रहती है क्योंकि वाकई श्यांगी अब काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वो सोचती है मैं श्यांगी को जीतने नहीं दे सकती। तब उसे लिनसैन का याद आता है। वो लिनसैन को कॉल करके कहती है क्या तुम अपने भाई को हराना चाहते हो, जहाँ वो कहता है तुम तो उसके फियांसे हो तो मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं। लीन कहती है मैं अपना इमेज बिल्ड करने के लिए उसे अप्रोच कर रही थी, बट मैं उसे लाइक नहीं करती। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो फायदा हम दोनों को ही होगा। दूसरी तरफ श्यांगी अपना स्क्रिप्ट याद कर रही थी, जहाँ नन चैन से कहता है पापा मम्मी नर्वस है तो आप उसको किस करो, मम्मी को अच्छा लगेगा। वही हम देखते हैं कोई उनका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब अगले सीन न्यूज वायरल हो जाता है कि श्यांगी जिसका एज 20 साल है उसका 5 साल का एक बच्चा है। अब इस न्यूज के बाद चैन की पीआर मैनेजर कहती है कितनी बार मैंने कहा है तुम दोनों केयरफुल रहना, इस न्यूज को दबाने के लिए मुझे कितना पैसा फेंकना पड़ा है। और चैन से कहती है बोर्ड मेंबर अब इस मैटर पर एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। इसके बाद मीटिंग में चैन बाकी मेंबर से पूछता है आपके ओपिनियन से मुझे अब क्या करना चाहिए, जहाँ एक कहती है श्यांगी को इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए उसे शो से निकाल कर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हटा लेना बेटर रहेगा। चैन कहता है पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अब चैन के साथ बाकी का बहस होता देख लू और उसकी पीआर मैनेजर सबको समझाते हैं कि श्यांगी का पॉपुलैरिटी अभी इतना बढ़ने वाला है कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। जहाँ एक कहती है ठीक है पर अगर लॉस हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी चैन को लेना पड़ेगा, जहाँ चैन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लू श्यांगी को बताता है कि चैन ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया है इसलिए तुम्हें अपना बेस्ट से बेस्ट देना होगा। साथ ही श्यांगी और नन का डीएनए टेस्ट करवाने का अरेंज भी करता है ताकि सोशल मीडिया पर सबका मुंह बंद करा सके कि नन उसका बच्चा नहीं है। दूसरी तरफ चैन के फादर लिनसैन और चैन से कहते हैं अब मेरा तबीयत काफी बिगड़ चुका है इसलिए मैं तुम दोनों को 2 महीने का टाइम दे रहा हूं। जो भी अपने अपने कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट करेगा वो फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। इस पर दोनों ही एग्री करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नन कहता है ये टेस्ट तो मीनिंगलेस है क्योंकि मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ, और रिजल्ट में भी यही निकलता है इससे दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड रहते हैं। वे नन से पूछते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, जहाँ वह कहता है मुझे नहीं पता मैं तो 2026 में पैदा हुआ हूँ। श्यांगी कहती है तो तुम पास्ट में कैसे आ गए। नन कहता है पता नहीं उस दिन मैं पापा के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था, पापा मुझे ढूंढ रहे थे और उस वक्त ये नेकलेस ग्लो हुआ, फिर मैं अपने आप को वहाँ पाया जब तुम्हारे घर में आग लग गया था, तब मैंने ही फायरमैन अंकल को बुलाकर तुम्हें हॉस्पिटल लाया था। ये सुनकर दोनों को ही उसके बातों पर बिलीव नहीं होता है। फिर चैन कहता है इस पैटर्निटी टेस्ट से हम लोग क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे, आई थिंक मुझे अपना एडॉप्शन वाला बात पब्लिक करना होगा। और एडॉप्शन वाला बात जानकर लोग अब श्यांगी को हेटफुल कमेंट करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट दिन उनका फाइनल राउंड का परफॉर्मेंस होता है, जहां ऑडियंस का मैक्सिमम वोट श्यांगी को मिलता है इसलिए अपने टीम की विनर वही होती है। नेक्स्ट दिन ई श्यांगी से पूछता है क्या तुम चैन को लाइक करती हो, जहां वो कहती है हाँ बट उसने अब तक से मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। यहां ई भी अपना लव कन्फेस करता है मगर श्यांगी एक्सेप्ट नहीं करती है। इसके बाद वो अपना नेक्स्ट रिहर्सल करने वाली थी तभी वहां चैन आकर कहता है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, और तभी ठीक श्यांगी के ऊपर का डेकोरेशन लाइट गिरता है। हालांकि चैन बचाने की कोशिश करता है मगर फिर भी दोनों को चोट लग जाता है। अगले दिन डॉक्टर श्यांगी से कहता है क्योंकि तुम्हारे पैर में दोबारा चोट लगा है तो तुम्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा और इसलिए अभी तुम्हें रेस्ट करना होगा। लू कहता है पता नहीं है परफॉर्मेंस से पहले तुम हॉस्पिटल क्यों आ जाती हो। वही पीआर मैनेजर परेशान होकर कहती है मैं इस मैटर का पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती हूँ, और लू को सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने कहती है, जहाँ उनके पास ई आकर कहता है मेरे पास ऑलरेडी फुटेज है आई थिंक हमें कुछ ना कुछ एविडेंस मिल ही जाएगा। वही दूसरी तरफ मिंजे भी उन्हें विजिट करने हॉस्पिटल आता है, जहाँ वो श्यांगी को केयरफुल रहने कहता है और फिलहाल इंजरी देखते हुए अभी शो से क्विट करने का एडवाइस देता है। श्यांगी भी कहती है हाँ डॉक्टर और लू ने भी यही कहा है। मिंजे कहता है आगे अपॉर्चुनिटी मिलता जाएगा लेकिन उसके लिए हेल्दी रहना भी जरूरी है। वही हम देखते हैं चैन को मिंजे से काफी जेलसी हो रहा था इसलिए वो उसे वहाँ से चले जाने बोलता है।
अगले दिन पीआर मैनेजर उनके पास आती है और सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि श्यांगी को हट करने का काम लिन का था। यहाँ वो बताती है कि ये फुटेज पुलिस को दे दिया गया है और श्यांगी को ये भी गुड न्यूज देती है कि तुम्हारे शो से क्विट करने के बाद भी डायरेक्टर अपने न्यू मूवी में तुम्हारे साथ काम करना चाह रहा है। अगले दिन मिंजे श्यांगी को बुलाकर पूछता है, क्या कोई चांस नहीं है कि तुम चैन को छोड़कर मेरे साथ वापस आओगी? जहाँ वो कहती है, मैं सच में चैन से प्यार करती हूँ। तब मिंजे कहता है, कोई बात नहीं, पर हम लोग फ्रेंड्स तो बने रह ही सकते हैं। श्यांगी कहती है हाँ। दूसरी तरफ चैन के पापा दोनों भाइयों के कंपनी बिजनेस प्रॉफिट देखते हुए चैन को फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाने का जिम्मा सौंपते हैं और लिनसन को अपने भाई का हेल्प करने कहते हैं। इससे लिनसन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुंडे के थ्रू श्यांगी को किडनैप करवाता है, पर प्लान फेल होने पर वो खुद एक्शन लेता है। जहां हम देखते हैं श्यांगी और नन रोड क्रॉस कर रहे थे और लिनसन उन्हें हिट करने के इरादे में था, पर नन श्यांगी को दूसरी तरफ धकेल देता है। एंड नेक्स्ट सीन हम नन को हॉस्पिटल में देखते हैं। हालांकि उसे भी ज्यादा चोट नहीं लगा था, पर श्यांगी काफी ज्यादा परेशान होती है। इसके बाद नन की रिकवरी के बाद सब सेलिब्रेशन करते हैं, जहां चैन भी श्यांगी को शादी के लिए प्रपोज करता है। अगले सीन उन दोनों का शादी भी हो जाता है। ग्रैंडपा और सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उनका नाइट स्पेशल हो इसलिए सब उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, जहां वे अपने स्वीट से नाइट स्पेंड करते हैं। पर सुबह दादाजी कॉल करके बताते हैं कि नन मिसिंग है। इसके बाद चैन पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट करता है, बट नन फिर भी कहीं नहीं मिलता है। इसलिए वे मान लेते हैं कि शायद नन वापस जहां से आया था वहां चला गया। सीन शिफ्ट होकर एक साल बाद का दिखाया जाता है, जहां श्यांगी एक बेटे को जन्म देती है। श्यांगी चैन से पूछती है, क्या इसके नेक पर तिल है? जहां चैन कहता है, हाँ, हमारा नन वापस आ गया। अगले सीन में दिखाया जाता है जब नन बड़ा हो गया था, जहां वो श्यांगी को बताता है कि आज मैं पापा के फ्रेंड के साथ एक गेम खेल रहा था, उन्होंने मुझे ये नेकलेस दिया। तब चैन बताता है, मेरा एक साइंटिस्ट फ्रेंड है, वो नन के साथ टाइम मशीन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसी ने ये नेकलेस उसे दिया है। फिर नन अपने पापा के साथ हाइड एंड सीक गेम खेलता है और ये वही सीन होता है जो सीजन 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। यहाँ उस नेकलेस के ग्लो होने के साथ नन गायब हो जाता है। तब श्यांगी आकर पूछती है, क्या नन पास्ट में चला गया, वो वापस कब आएगा? चैन कहता है, डोंट वरी, हमें सब पता है, सब ठीक हो जाएगा। तभी नन वेडिंग ड्रेस में अचानक से टपक जाता है और पूछता है, मम्मी पापा, मैं आपके शादी में आया हूँ। जहाँ वे कहते हैं, हम लोग ऑलरेडी मैरिड है और ये 2029 है, तुम वापस आ गए हो। एंड यही इस ड्रामा का एंडिंग होता है। मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।